Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So, some four more minutes to go. Two more minutes to go. 30 more seconds.

क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन में लिख दो और फिर क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे गूगल फॉर्म में पूछ सकते हैं जिसका लिंक चैट बॉक्स के टॉप पर है तो हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी और उसका पिलर वन मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस वहां पर बाटर टू बिट एंड दिस मॉनेटरी पॉलिसी सी आर आर वो सब देख लिया क्लासिफिकेशन देख लिया अब हम लोग हैं पिलर वन बी टू जहाँ पर हम लोग बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर देख रहे थे और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट और अब इंसॉलेंसी बैंक कोड बासल कोड वगैरह देख रहे थे ये जो हैंड आउट अभी चल रहा है उसमें से ज़्यादातर पोर्शन आज रात खत्म हो जाएगा सिर्फ एक दो पेज का ही कंटेंट बचेगा जो हम लोग कल रात खत्म करेंगे तो टुमारो दैट इज इलेवन जून सैटरडे कल दोपहर तक में मैं नेक्स्ट हैंड आउट अपलोड करूंगा जो का पिलर वन सी सेबी शेयर मार्केट और फिर कल रात हम लोग वो भी पढ़ना शुरू करेंगे तो कल दोपहर या शाम को क्लास में आने से पहले उसको डाउनलोड कर लेना प्रिंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं सो प्रेजेंटली वी आर एट पिलर वन बी टू ये आई बी सी बोर्ड बासिल नॉम्स वगैरह देख रहे थे अब यहाँ से लेट लेटेस्ट सम आई समस्ड इन करेक्ट पेयर्स स्टेटमेंट वन प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स क्रिएटेड बाय आई बी बी आई फॉर फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ़ एन पी ए स्टेटमेंट टू सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय नाबार्ड फॉर इफेक्टिव सुपरविजन ओवर द रीजनल रूरल बैंक और फिर आपके ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉट टू या आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब इंद्रनील जयश्री मनोज अंकित देव काव्या निर्देश शिवानी अद्वैत संकेत निखिल शिल्पी पुलकित शशांक रणप्रीत स्मृति जैकी नीतू युवराज अंकित ध्रुव महेश पेरुमल अभिलाषा तौसीफ शुभम मूर्तजा प्रशांत शिवम दिनेश साक्षी गौरव मैत्रही अक्षिता नुजत लक्ष्मी राहुल बिनू विवेक आकाश नीलेश मंगेश मनोज ये सब ने ठीक किया फिर अमर अपूर्व तन्मय श्रेयांश प्रियंका राम मोहुल मोहन सईद जमान सिराजुद्दीन एन अदर्स कंग्रेचुलेशंस वो यहाँ पर वट इज दी करेक्ट आंसर लेटर एच प्रश्न क्या है फाइंड इनकरेक्ट पेर्स गलत जोड़िया पकड़ो प्रुडेंशियल फ्रेमववर्क फॉर स्टेस्ट एसेट भाई वो आई बी बी की इधर था इंसॉलेंसी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया थोड़ी था वो तो आरबीआई था क्योंकि उससे पहले उसका फेब्रुआरी ट्वेल्थ सर्कुलर वो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया तो आरबीआई वाले नई चीज लेकर आए थे सो फर्स्ट पेयर इज रॉन्ग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क ऐसे है तो आरबीआई रिजर्व बैंक ने क्रिएट किया किसके लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए तो यानी गलत पेयर पकड़ो तो दोनों ही गलत है तो जवाब क्या हुआ बोथ वन एंड टू आर रॉन्ग आई थिंक अराउंड थर्टी परसेंट लोगों ने इसको करेक्ट किया तो बाकी सब लोगों ने जो जल्दी गलती करी है प्लीज रीड द स्टेटमेंट केयरफुली यहाँ पर यह आई बी बी आई लिखा है आर बी आई नहीं लिखा है तो जल्दी जल्दी ये कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं कि ऐसे ऐसे ग्लांस करके सुपरफिशली देख लिया प्लीज़ बी मोर केयरफुल ठीक है अभी दूसरा प्रश्न और ये प्रिलिम टू थाउजेंड सेवेंटीन में पूछा गया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बार्सल थ्री नॉम्स स्टेटमेंट ए डेवलप नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्टेटमेंट टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बट प्लेस अ हैवियर बर्डन ऑन द डेवलप कंट्रीज स्टेटमेंट थ्री ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज टू रिप्लेस क्लोरो इन द रेफ्रिजरेशन और स्टेटमेंट डी इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द रिस्क मैनेजमेंट और ये प्रश्न के अंदर आपका टाइम शुरू होता है अब वर्षिका रोहित अंकित दीपक अक्षिता शुभम ज्योति शुभम अरविंद मोहन समीर प्रणव अंबुज जिगर नवाजिश जबीन मनोज वैभव सुरभि शिवम हर्ष शैफाली आदर्श ओंकार अभिलाष अविंचल निमिष वसीफ श्रुति कार्तिक ये सब लोग प्रियंका अपूर्व अमर आयुष सईद जमान राम मोहन श्रेयांश अपूर्व निमिष एंड आदर्श टू आउट ऑफ टू करेक्ट भाई 2017 में बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न उन्होंने पूछ लिया था कि बासिन थ्री नॉम्स का उद्देश्य क्या है भाई उद्देश्य क्या है इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर से अविलिटी टू डील विद द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक भाई वो जो भी हमने पढ़ा वही चीज की वो बात कर रहा है यानी कि हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में बिना ही कुछ पी किए गए हम लोग टॉपर बन गए राइट यो यो हनी सिंह दिनचक पूजा एंड अदर्स जबकि बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल परसूट के चक्कर में फेल हो गए एवरी ईयर यू विल सी दिस जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनमें से कुछ लोगों की आप सोशल मीडिया में हरकत देखें तो पता चल जाता है कि लोग कैसे सिलेक्ट हुए होंगे बट वन थिंग आई अप्रिशिएट अबाउट दैम इज उनकी दिमाग में इतनी क्लैरिटी है कि मुझे इतना पढ़ना है और इतना नहीं पढ़ना है जो फेल होते हैं वो कई सारे लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो क्लैरिटी उनके पास नहीं है कि हमें इतना ही तैयार करना है बेफिजुल में और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं मित्रों यूपीएससी एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है अगर वो चाहे तो एकदम टफ़ टाइप के आपको कुछ प्रश्न पूछ सकता है कि ये काउंटर साइकिल कैपिटल बफर उसके अंदर कितने परसेंटेज होते हैं और उसमें आरबीआई के क्या नियम है बट वो ऐसा नहीं पूछते क्यों क्योंकि उनको रूरल कैंडिडेट नॉन बी कॉम नॉन आई आई एम नॉन इन्वेस्टमेंट बैंकर ऐसे सब लोगों को भी इक्वल चांस देना है सो द लेवल ऑफ क्वेश्चन हाँ थोड़े टफ क्वेश्चन कहीं कहीं होते हैं बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर इजी टू मीडियम तो उस हिसाब से चलना चाहिए फालतू में फिर और टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए एक और प्रश्न अब ये तो वाला प्रश्न वैसे तो सॉल्व नहीं भी करते तो चल जाता है ना लेकिन मैं इसलिए करवाया क्योंकि आपको दिमाग में रहे कि ये इस लेवल का पूछते हैं दिस इज ऑफिशियल क्वेश्चन फ्रॉम 2017 अनदर क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम यूपीएससी की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी बासल कन्वेंशन प्रोवाइड्स ऑप्शन ए इंडियन स्टैंडर्ड फॉर पॉल्यूशन मेजरमेंट एंड प्रिवेंशन ऑप्शन बी इंटरनेशनल गाइडलाइन टू कंट्रोल द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजाडस वेट बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज स्टेटमेंट थ्री इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट या स्टेटमेंट डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू कैटेगराइज पॉल्यूशन इन एयर एंड वाटर और आपका यहां पर भी टाइम शुरू होता है अब कुलदीप सूर्यचंदन संतोष हरिका विक्रम मोकिल अनुपम जागृति सईद जमान नूर प्रणव अपूर्व शिवांशु दीपाली प्रतीक नीलेश शुभम अब्रोज सर्वेश विदित यश रजनीश दिवाकर संजीव अमूल सौम्य मिलन सिद्धार्थ गुलशन प्रशांत स्वरूप सौविक गोकू मनोज सुजीत आयुष अमित कपिल आहान अनिरुद्ध अभय अमर भास्कर काकरोट आरती निखिल ये सब लोग फिर अमर अपूर्व आयुष सईद जमान अपूर्व शिवम सौम्या श्रीधर अजित एम एस बालाजी एंड अदर्स थ्री आउट ऑफ थ्री करेक्ट क्या जवाब है भाई बासेल कन्वेंशन बासेल थ्री इज फॉर बैंकिंग सेक्टर बासेल कन्वेंशन किसके लिए वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हेजार वेस्ट बिटवीन द कंट्रीज जहरीले कचरे को एक से दूसरे देश में ले जा रहे हैं उसकी जो स्थानांतर हो रहा है उसके ऊपर ये नियम बनाए गए हैं तो मतलब डेली पाँच जी के करंट अफेयर्स का मटेरियल टेलीग्राम यूट्यूब पे ढूंढता रहे जो आदमी डेली मेंस आंसर आए टिंकी पीपड़ी बजाता रहे जो आदमी और फिर भी ऐसे इजी एम में गलती करे उसको क्या बोल सकते हैं वही जो गब्बर सिंह अपने आदमियों को बोलता है दिक्कार है आजकल ये जमाना है कि वी ऑलवेज लुक फॉर समथिंग न्यू एंड शाइनी हमने अभी मान लीजिए एक फ़ोन खरीदा हो तो तीन महीने में उसका ही नया मॉडल ये सैमसंग ये वाला गैलेक्सी और ये वाला दिस डैट चलते रहता है तो हाथ में जो मटेरियल है वो लोगों को पसंद नहीं आता हमेशा कुछ नया नया ढूंढते रहते हैं भाई यूपीएससी के जो एग्जामिनर हैं वो स्थिर बुद्धि वाले हैं तो वो तो आराम से थोड़े थोड़े प्रश्न हर जगह से पूछते हैं तो अन्य अननेसेसरीली पूरा दिन करंट अफेयर करंट अफेयर का रोते रहो वो भी कुछ काम का नहीं खैर लें कास्री नॉर्म्स हमने कल पढ़े थे बेसिक आइडिया वॉज कि आपके जितने रिस्क वेड एसेट बढ़ते हैं उस हिसाब से आपने कैपिटल ज्यादा जमा करना होगा सो दैट वी अंदर कुछ मिसेल टॉपिक पढ़ने बाकी है उसमें तो शर्त ये थी कि आपके बैड लोन बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से आपने अपना कैपिटल भी बढ़ाना होगा लेकिन ये कैपिटल तो आसानी से समझ लीजिए हैं हाँ कि शेयर बॉन्ड बढ़ाने होंगे लेकिन टेक्निकली नॉर्म्स में ये कैपिटल को उन्होंने अलग अलग टाइप में विभाजित किया है पहला वो बोलते हैं टीयर वन कैपिटल या जिसको बोलते हैं कोर कैपिटल इसका हिंदी क्या है कुछ काम का नहीं मेन्स एग्जाम का ये टॉपिक नहीं है प्रीलिम के लिए थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए सो देर इज समथिंग कॉल्ड टीयर वन कैपिटल उसके अंदर भी दो सब सब टाइप्स होते हैं कि कॉमन एक्विटी टीयर वन मतलब एक्विटी मतलब क्या सामान्य प्रकार के शेयर्स ऐसा आप इशू करके मान लीजिए इधर सौ रुपये का कैपिटल लेके आओ फिर दूसरा होता है कि ये जो टीयर वन कैपिटल है उसका टाइप की एडिशनल टीयर वन यानी ए वन और उसके बॉन्ड्स आप निकाल सकते हैं या फिर उस हिसाब से प्रेफरेंशियल शेयर्स निकाल सकते हैं वो क्या क्यों कैसे काम करते हैं बहुत ज़्यादा चिंता में आने की ज़रूरत नहीं बट द पॉइंट इज़ हमने आसानी के लिए इतना पड़ा कि यहाँ कैपिटल होना चाहिए बट हर जगह एक्स परसेंट वाई परसेंट वो सब शर्तें रहती हैं सो दैट इज़ टीयर वन कैपिटल फिर होता है टीयर टू कैपिटल टीयर टू कैपिटल के अंदर भी बॉन्ड डिबेंचर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो सकते हैं अगेन कैसे काम करते हैं कुछ काम कर सो लाइक दैट दे विल क्लासीफाई द एंटायर कैपिटल आसानी से हमको समझ में आए तो हम तो बैंक का इक्वेशन ऐसे देखते थे कि सपोज कोई हेल्दी बैंक है उसमें कुछ होगा एक्विटी कैपिटल यानी हम जिसको बोलते हैं शेयर्स तो मान लीजिए यस बैंक में शेयर के नाम पे सम 11 करोड़ रुपीस दे अब फिर उन्होंने कुछ बॉन्ड्स इशू किए हैं मान लीजिए उसमें से वो तीन करोड़ लेके आए फिर उनको जो लाइसेंस मिला होगा उसी हिसाब से वो पब्लिक से डिपॉजिट लेते होंगे मान लीजिए सेवनटी एट करोड़ डिपॉजिट में लिया है और ये सालों से बैंक चल भी रही है तो मान लीजिए प्लस वन करोड़ का इनको प्रॉफिट भी है तो इक्वेशन के एक साइड पर ये चीज़ें होंगी तो सामने इक्वल उतनी एसेट हो जाएंगी सौ करोड़ के वो लोन में घुमाते होंगे सी आर आर वो सब कुल मिला के होगा अभी ऐसा क्यों होगा ये इक्वेशन क्यों बैलेंस होगा वगैरह वो बीकॉम की हमको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं फिशियंट की एक तरफ शेयर बॉन्ड होते हैं डिपोजिट होते हैं दूसरी तरफ उसके सामने एसेट्स के नाम पर बैंक के लोन्स बाजार में घूमते रहते हैं so reason, ये जो चलती थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे कि वहां जो नेट प्रॉफिट हमने देखा वन करोड़ समझिए कि अगले साल उनका धंधा ठीक से नहीं चल रहा और नेट प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो हम लोग लॉस को कैसे लिखेंगे सपोज माइनस टेन करोड़ उनका प्रॉफिट हो गया ऐसा हम बोलेंगे क्योंकि लॉस है असल में सो सो सम बिजनेस एंड इज लॉस सिमिलरली इस तरफ ये जो इनकी एसेट है सौ करोड़ की उसमें से बहुत सारी एसेट सपोज विजय माल्या जैसे लोग ले गए और वापस नहीं कर रहे हैं लोन्स तो उनकी एसेट भी कम होकर नाइन्टी करोड़ रह गए मित्रों ये जो एसेट है उसको आप कंफ्यूज ना करें वो रिस्क वेड एसेट वो चीज की अलग है उसका कंसेप्ट फॉर्मूला अलग है ये तो बस ऐसे ही कि जो गुड एसेट थी उसमें एसेट धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है और कुछ लॉस एसेट चली गई तो अब नाइन करोड़ की एसेट बची सो नाउ वट विल हैपन ये जो इक्वेशन है वो इम्बैलेंस हो गया एक तरफ एक्विटी शेयर कैपिटल के 11 करोड़ बॉन्ड के 3 करोड़ डिपॉजिट के 78 करोड़ और प्रॉफिट नहीं लॉस माइनस टेन करोड़ तो सम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड करो आप ये सब नंबर का इलेवन प्लस थ्री प्लस सेवनटी एट माइनस टेन तो जवाब आता है सम 82 करोड़ और इस तरफ एसेट वहां पर जवाब आता है सपोज उस अलग से वो हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर लॉस हो चल रहे हैं तो 90 करोड़ वहां पर क्योंकि बहुत सारे बैड लोन हमने हटाने पड़े सो एज अ रिजल्ट नाउ द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड कुछ प्रॉब्लम आ गया लोन देने में गलती से मिस्टेक हो गया और उसके चलते मेरा इक्वेशन का पूरा बैलेंस खराब हो गया तो मतलब ये, ये यस बैंक और उसके जो स्थापक थे राणा कपूर उनकी ये प्रॉब्लम थी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा आरबीआई का ये कहना है भाई आग तूने लगाई है बुझानी अब मुझे पड़ेगी क्यों क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि कमजोर बैंकों का कुछ करो तो अब ये इक्वेशन को वापस बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सपोज ये सम ऑफ द लेफ्ट हैंड 82 करोड़ राइट हैंड 90 करोड़ इन दोनों को बैलेंस कैसे करें बैलेंस करने का एक तरीका ये हो सकता है कि लेफ्ट हैंड में जो हमारे पास एक्विटी कैपिटल है मतलब शेयर्स तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई अजीम प्रेम जी उन सबको बोलते हैं कि आपको दिलचस्पी है तो ये यस yes बैंक के मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स दिलवा दूंगा और आप मुझे सामने पैसा देना आपको यस yes बैंक के शेयर्स मिलेंगे जब बैंक प्रॉफिट करेगा प्रॉफ़िट में से आपको डिविडेंड मिलेगा वगैरह सो लाइक दैट सपोज ये इलेवन करोड़ थे उसमें ये सब एस बी आई आई अजीम प्रेम जी वगैरह वो अपना पैसा और डालते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ के ट्वेंटी करोड़ हो जाए एक ये काम हो सकता है फिर यहाँ मैंने आपको बताया कि बॉन्ड्स वो बॉन्ड के अंदर जो हमने आगे सब टाइप देखा एटी वन बॉन्ड्स एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स तो वो मान लीजिए तीन करोड़ के ऐसे बॉन्ड से पैसा लिया था यस बैंक ने इन्वेस्टर से तो यहाँ पर ये जो ए टी वन बॉन्ड्स होते हैं उसमें फीचर ये होता है कि अगर बैंक स्ट्रेस में आ जाए तो उसमें से आप उन बॉन्ड्स को चाहे तो राइट ऑफ कर सकते हैं राइट ऑफ करना मतलब खारिज कर दो उसको इक्वेशन से हटा दो मान लीजिए तीन में से हम लोग एक करोड़ हटा दे तो फिर सिर्फ दो करोड़ के ही बचे और उतने निवेशकों को कोई पैसा देंगे ऐसा कुछ कर सकते सो इट इज अलाउड तो अपने आप मतलब ये इक्वेशन में थोड़ा इधर रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा बैलेंस करने में कुछ सुविधा हो सकती देन वाट ऑन दिस साइड ये जो डिपोजिट हैं डिपोजिट में समझिए कि ये वाले आदमी अचानक से बोले हमारे दस दस लाख रुपया वापस कर दो ये बैंक में भरोसा नहीं तो फिर बैंक एक तो बंद हो जाएगा सी आर आर भी आप पूरा निकाल लो तो भी कुछ काम नहीं हो सकता और बहुत सारे यस बैंक ने लॉन्ग टर्म के लोन भी दिए होंगे तो वो तुरंत तो वो सामने वाला बोर भी पैसा वापस कैसे करे इसलिए आरबीआई ने यहाँ पर कुछ नियम बनाए कि ये जो डिपोजिट है तो आप एक एक आदमी पचास हजार से ज्यादा विद्रॉ नहीं कर सकता वगैरह ताकि ये वाला पोर्शन थोड़ा स्टेबल रहे एंड देन ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट अब वो तो माइनस टेन करोड़ का लॉस उसका तो कुछ अभी हो नहीं सकता बट ऐसा करने पर ये जो हमने काम किया कि थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग कैपिटल लेकर आए ये बॉन्ड का थोड़ा हमने रिड्यूस कर दिया डिपोजिट में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन की उसको वापस विड्रॉ नहीं कर सकते तो करेंगे ये ट्वेंटी करोड़ प्लस टू करोड़ प्लस सेवेंटी एट माइनस टेन तो इस साइड पर हो गया जवाब नाइन्टी और सामने एसेट साइड में तो हम कुछ कर नहीं सकते थे वो भी नाइन्टी रहा सो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड तो ये जो प्रक्रिया पूरी चल रही है बेसिक आइडिया इज वॉट कि नए कुछ शेयर इन्वेस्टर लेके आओ और इधर 81 बॉन्ड्स है तो थोड़े उसमें से खारिज कर दो और फिर ये डिपॉजिट होल्डर्स हैं उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दो ऐसा करके हम लोग वापस इस बैंक को स्टेबलाइज कर सकते हैं और यही प्रक्रिया आरबीआई कर रहा है तो ये जो हमने देखा एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स यानी 81 बॉन्ड्स उसके फीचर क्या होते हैं वहां पर काफी ऊंचा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर को रुचि हो जाए कि हाँ मैंने इन्वेस्ट करना है सपोज इस पर मान लीजिए एटीन परसेंट ब्याज मिल रहा हो तो आप उसको लेंगे हाँ एटी वन बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे ये बॉन्ड की खासियत ये होती है कि उस पर कोई मेचोरिटी डेट नहीं होती यानी कि सपोज़ आपने सौ रुपये इन्वेस्ट किए तो हर साल मान लीजिए वो आपको एटीन परसेंट दे रहा है ब्याज लेकिन आपका प्रिंसिपल मूलधन वो लोग वापस नहीं करेंगे बैंक विल नॉट रिटर्न योर प्रिंसिपल बैंक विल ओनली पे इंटरेस्ट फॉर द इनफाइनाइट टाइम पीरियड अनंत काल तक आपको ब्याज मिलता रहेगा बट इन रियालिटी व्हाट विल हैपन बैंक वाले ये वाले बॉन्ड को आफ्टर सर्टन ईयर्स जब उनका वापस थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजिशन हो जाए तो उन बॉन्ड्स को बाय बैक कर देंगे और सामने फिर नए बॉन्ड इशू करेंगे और तीसरी पार्टी से पैसा लेकर आएंगे तो ये एटी वन बॉन्ड्स ऐसे चलते रहते हैं अब यहाँ पर जब भी कोई बैंक में बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला हो तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो एटी वन बॉन्ड वाला पैसा है उसकी मदद मतलब से वो लॉस एब्जॉर्ब करते हैं कि ये जो यहाँ पर हमने देखा राइट ऑफ कर देना मतलब खारिज कर देना उस उतना कैंसिल कर दो वो पूरा पैसा तुमको प्रिंसिपल इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा भूल जाओ इस तरह से आपको हटा दिया जाएगा सो लाइक दैट बैंक कैन ऑब्जॉर्ब द लॉसेस या ऑप्शन टू ये जो बॉन्ड है उसको कन्वर्ट करके आपको शेयर्स दे दिए जाए और उसकी मदद मतलब से भी वो इक्वेशन को एडजस्ट कर सकते हैं कि तीन करोड़ के बॉन्ड के नाम पर आपको सामने मान लीजिए एक करोड़ के शेयर दे रहे हैं या कुछ ये जो प्रक्रिया होती है कि यहाँ पर से डिपोजिट के अंदर से शेयर्स में कन्वर्ट करना या बॉन्ड के अंदर से शेयर में कन्वर्ट करना उसको बोला जाता है बेल इन प्रोसेस खैर यहाँ पर क्राइसिस इसलिए है क्योंकि ये जिन लोगों ने 81 वन बॉन्ड खरीदे थे वो सब नाराज़ हैं कि आप हमारी पूरी चीज़ को राइट डाउन कर रहे हैं और हमें तो प्रिंसिपल तो मिलने नहीं वाला था वो तो पता था आपने तो अब आप बोल दिया कि इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा सो दिस इज़ नॉट राइट बट मित्रों इन रियलिटी ये जो बासेल नॉम है उसमें ऐसा लिखा ही गया है कि इस टाइप के बॉन्ड इश्यू करो और इमरजेंसी हो तब इसको ऐसे हम रिमूव भी कर सकते हैं तो ये मतलब जो ब्रोशर प्रोस्पेक्टर्स होता है उसमें लिख के दिया होता है सो इट इज़ नॉट लाइक वो लोग इलीगल कर रहे हैं यस yes, बैंक वाले इट इज़ अलाउड लेकिन जो इन्वेस्टर हैं वो लोग कॉर्ट में गए हैं कि कम से कम इसको रद्द न करते हुए उसके बदले आप हमको थोड़े शेयर्स दिलवा दीजिए वगैरह और फिर पूरी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चल रही जो हमारे काम की नहीं है सो दिस मच बेसिक इज सफिशियंट ये एटी वन बॉन्ड क्या है ये वाला केस है उसकी मदद मतलब से बासेल थ्री की कम्प्लायंस हो सकती है एक तो कैपिटल हमको मिल गया और जब बैंक कमजोर हो जाए तो उसको राइट ऑफ कर दो ताकि सिस्टम को स्टेबिलाईज कर सके दिस इज जस्ट लाइक वो जो हमने पढ़ा था वो यील बॉन्ड यील और ऑपरेशन ट्विस्ट वगैरह असल में एक दो लाइन के ऑब्जेक्टिव का आई एम सी क्यों बनता है बट बेफिजुल में हमने पंद्रह बीस मिनट तक पढ़ना पड़ता है बट एनी वेज सो वी हैव स्टडीड अब ये जो यस yes बैंक वाला है उसका केस लंबे टाइम से चल रहा है तो एक तरफ येस yes बैंक के अंदर आर बी आई ने कुछ सोल्यूशन निकाले पी एम सी बैंक में कुछ सोल्यूशन निकाले कुछ लोग जाकर कोर्ट में चले गए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कि येस yes बैंक में जैसा किया ऐसा पी एम सी में क्यों नहीं किया वगैरह वगैरह तो बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चलती रहती है जो हमारे काम की नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस yes बैंक के बोर्ड को टेक ओवर कर दिया वहां पर अपने ऑफिसर्स को बिठाया और ये पूरी प्रक्रिया वो कर रहा है दे आर ट्राइंग टू वर्कआउट द रिवाइवल प्रोसेस जो हमने आगे स्लाइड में देखी कि एस बी आई आईसी आई से अजीम प्रेम जी सबसे शेयर लेके आए वगैरह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो ये राणा कपूर का, का पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है यहाँ पर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को वैध बनाना और कुछ फाइनेंशियल स्कैम के एंगल भी हैं वो क्या क्यों कैसे पूरी मोडस ऑपरेंडी कैसे कांड किया था वो यूपीएससी पूछती नहीं तो हम उसमें जाएंगे नहीं लेकिन हाँ राणा कपूर ये तो बोल ही सकते हैं कि मेरे कांड के चलते कई लोगों को रोजगार मिल गया किन लोगों को रोजगार मिल गया द हिंदू के कॉलमनिस्ट को और ये सब डेली पेज व्यूज के लिए यूट्यूबर वगैरह करंट अफेयर और पीडीएफ बनाने वाले को बेफिजुल में लंबी चौड़ी कहानी करते रहते हैं बेजिक इज सफिशंट क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि यस बैंक और पीएमसी क्राइसिस के चलते ये दिखाता है कि आर बी आई हैज फेल्ड इन द रेगुलेटरी रोल आर बी आई ने अपना काम ठीक से नहीं किया चाय की कि दुकान पर पान के गले पर बैठा तो ऑफकोर्स आरबीआई कुछ ठीक से काम नहीं किया लेकिन मेन्स इंटरव्यू में आप लिख रहे हैं तो क्या लिखना है आर बी आई शुड द रोल इन अ मोर प्रोएक्टिव एंड विजिलेंट मैनर उनको और सख्ती से काम करना चाहिए था ऐसा कहने की जगह है कि उन, वो अपने काम में विफल रहे हैं एनी वे सो दैट पार्ट इज ओवर नव समर थिंग क्या है जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी मतलब वहाँ पर 19 देश हैं और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है ऐसा एक ग्रुप है और उन्होंने अपना एक नीचे और बॉडी बनाया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और वो लोग भी बासेल स्विट्जरलैंड के अंदर बैठते हैं उन्होंने यह तय किया कि क्यों ना हम ऐसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक और एनबीएफसी बी आइडेंटिफाई करें जो कि इकोनॉमिकली के इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा उसमें पैसा है बहुत ज़्यादा वो लोन में घुमा रहे हैं वगैरह और उनके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रांग कुछ होना चाहिए ताकि इकोनॉमी में रिस्क कम हो जाए इसलिए हर महीने हर साल अगस्त के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के अंदर ऐसे सब संस्थानों की लिस्ट बनाता है उसमें से ऐसे जो बड़े बैंक जो कि दे आर टू बिग टू फेल यानी कि अगर वो फेल हो गए तो उससे पूरी इकोनॉमी कोलेप्स हो सकती ऐसे इंस्टीट्यूशंस का आरबीआई एक लिस्ट बनाता है और उनको आर लेबल देता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक यानी डी सिब डी के अंदर एस बी और एच का नाम है उनके ऊपर शर्त यह है कि रिस्क वेड एसेट के सामने उन्होंने एडिशनल कैपिटल और रखना पड़ता है कंपेयर टू अदर बैंक्स लाइक पंजाब नेशनल बैंक एक्सिस बैंक वगैरह सो दैट इज द डी मतलब ये जी का चीज़ है तो वो जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और उसकी बासेल कमिटी उससे ये चीज़ भिन्न है लेकिन वो कैसे भी नहीं वो सब करने की जरूरत नहीं दिस मच सफिट ये है और ये तीन है ऐसी एक और चीज इंड ए एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये भी बासल नॉम का हिस्सा नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या हर एक कंपनी की बैलेंस शीट होती है तो वहां पर वो लिखेंगे एसेट्स हमारी और लाइबिलिटी वो सब लिखने का भी एक सीक्वेंस होता है कि फॉर एग्जांपल कैश देन अकाउंट रिसीवर प्रीपेड एक्सपेंस इन्वेंटरी राइट तो वो सब फॉर्मेट होता है कि ये कॉलम फिर ये कॉलम फिर ये कॉलम और इस तरह से आपने प्रेजेंट करना है तो वो जो फॉर्मेट बनाया गया उसको बोला जाता है इंड ए एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इस तरह से आपने बनाकर प्रेजेंट करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सब भारतीय कंपनियों को बोला आपने इस फॉर्मेट में इस सीक्वेंस में हमको डेटा देना होगा ऑल कंपनीज इन इंडिया रिक्वायर टू प्रेजेंट द बैलेंस शीट इन दिस फॉर्मेट ओनली इससे फायदा क्या है इन्वेस्टर को रेगुलेटर को तुरंत ही कोई कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन देखने में दूसरों के साथ कंपेयर करने में आसानी हो जाती है और हमने आगे पढ़ा कि बैंक भी असल में तो एक प्रकार की कंपनी ही है तो बैंकों ने भी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये इंड ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर उन्होंने पूरी लिख के देनी होगी लेकिन वहां पर बैंकों ने कौन सी तारीख से अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज करके ये अडॉप्ट करना है वो कौन तय करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करेगा

इंडिया स्टैंडल के साथ जुड़े नहीं बट ऐसी जो चल रही है हाँ कल रात देखा था कि आपके बैंक में जितने बैड लोन बढ़ेंगे तो सामने आपने कैपिटल उतना ज्यादा लेकर आना होगा शेयर बॉन्ड इशू करो तो फिर पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे अपना ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह इनके ऊपर भी जिम्मेदारी की एक्स्ट्रा उन्होंने कैपिटल जमा करना होगा और कैपिटल जमा करने के दो तरीके हो सकते हैं एक तो आप लाओ एक्विटी यानी शेयर्स इशू करके अब एस वाला या कोई भी नए शेयर से अगर इशू करेगा तो शेयर का मतलब आप जानते हैं कि जब बैंक को प्रॉफिट होगा उसमें से वो इन्वेस्टर को डिविडेंड यानी लाभांश के रूप में कुछ पैसा देंगे लेकिन इन्वेस्टर भी बेवकूफ़ नहीं है हम लोगों ने पहले भी क्लासिफिकेशन में देखा था कि कैसे सरकारी बैंकों में तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इतना ज्यादा है जिसके चलते उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम है कि डिविडेंड के नाम पर कुछ नहीं मिल सकता जीरो पैसा आएगा बाद में या एक दो रुपए आएंगे सो इवन इफ दे इशू द शेयर वो शेयर इशू भी करे तो कोई इन्वेस्टर खरीदने वाला है नहीं तो मतलब ये लोग खुद से सरकारी बैंक वाले बासल थ्री नॉम को कंप्लाई कर नहीं सकते दूसरा तरीका है कि चलिए शेयर इशू नहीं कर सकते तो बॉन्ड इशू करो बाजार में डिपोजिट की बात नहीं चले मैंने पहले भी आपको बोला था इधर डिपोजिट में जो पैसा आता है उसको हमने कंसिडर करना नहीं हमने कैपिटल यानी शेयर बॉन्ड के नाम पर पैसा लाना है तो अब एस बी आई अगवाला अगर अपने नए बॉन्ड इशू करे और इन्वेस्टर को बोले कि मैं आपको एट परसेंट इंटरेस्ट पे करूंगा ऑन दिस बॉन्ड्स आप इसको परचेज करो और मुझे कैपिटल दे दो और मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस मैं आपको एट इंटरेस्ट पे करूंगा और प्रिंसिपल भी वापस करूंगा लेकिन ये सब इन्वेस्टर भी समझदार है कि भाई आपकी बैंक तो बहुत बराबर प्रॉफिट नहीं कर रही तो मुझे तो डर लगता है कि आप वापस करेंगे नहीं करेंगे और फिर ये एटी वन बॉन्ड जैसा कांड हो गया तो तो मुझे तो एट परसेंट नहीं जमता मुझे तो एटीन परसेंट भी दो तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा अब बैंक वाला एटीन परसेंट भी इनको देगा तो खुद क्या कमाएगा राइट सो देरफोर इवन इशुंग बॉन्ड इज नॉट वेरी वायबल बॉन्ड से भी सरकारी बैंक वाले पैसा लाने मुश्किल है तो फिर क्या करेंगे वो जाएंगे अपने फादर के पास यानी गवर्नमेंट हु इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर इन द पब्लिक सेक्टर बैंक और फिर उनको बोलेंगे सरकार को कि सर हमको मदद करो मदद सरकार कैसे कर सकती है एक तो हर एक ऐसी बैंक है उसको कितना रिकैपिटलाइज करें मतलब ऐसा शेयर बॉन्ड का पैसा कितना लेकर आए उनके लिए तो सरकार ने एक इलाज ऐसा निकाला कि ये जो विजया बैंक है और ये है देना बैंक तो इन दोनों को मर्ज कर दो उसको बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल दो इससे फायदा क्या ये दोनों बैंकों की जिम्मेदारी सरकार की चली गई विजया बैंक देना बैंक की और उनके जितना ब्रांच है जितने मैन पावर हैं जितना डिपोजिट है वो सारा एक बड़ी बैंक में आ गया बैंक ऑफ में इससे फायदा ये होता है कि वो बैलेंस शीट और स्ट्रांग हो जाती है और फिर वहां से आप थोड़ा और प्रॉफिट निकाल सकते हैं और फिर आप इन्वेस्टर को दिखाएं कि ये तो बड़ी बैंक है इसमें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं देन इन्वेस्टर में फिलहाल हाँ इसमें तो कुछ प्रॉफिट डिविडेंड होगा तो एक तो ये तरीका किया जा रहा है कि मर्जर ऑफ द स्मॉल बैंक्स सेकंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द वीक बैंक्स जैसे कंसीडर द केस ऑफ आईडीबीआई वो इतना लॉस करे कि सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहती तो सरकार रिकैपिटलाइज करना तो दूर की बात है अपने भी शेयर्स एल को उन्होंने सेल कर दी सो दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट और तीसरा कि जो बैंक बाकी बचते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ोडा उनको फिर सरकार शेयर बॉन्ड के नाम पर कुछ पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेगी जिसको हम बोलते हैं रिकैपिटलाइजेशन रिकेपिटलाइजेशन पूंजीकरण लेकिन यहां पर भी ऐसा नहीं कि हर एक सरकारी बैंक को एक समान पैसा मिलेगा ना परफॉर्मेंस के हिसाब से कि सपोज एस के अंदर कितना प्रॉफिट है कितने बैड लोन्स हैं और सामने वो कितने नए डिपोजिटर्स और गरीब लोगों के अकाउंट खोल रहे हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको ज्यादा रिकैपिटलाइजेशन में पैसा देगी बैंक ऑफ बड़ोडा वाला कम कर रहा होगा तो उसको कम देगी सो दैट इज द आइडिया ऑफ बैंक रिकैपिटलाइजेशन अब ये काम 2015 से उन्होंने शुरू किया उस वक्त सरकार लेकर आई इंद्रधनुष प्लान फॉर रिकलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक उस वक्त के सारे आंकड़े हमारे लिए काम के नहीं बट टू नो कि कुल मिलाकर सफिश करोड़ रुपीज तय किया था सरकार ने कि इन सब बैंकों में हम लोग सरकारी बैंकों में और एक्स्ट्रा अपने पॉकेट से डालेंगे और ये कुछ बैंकों को उन्होंने मर्ज कर दिया ताकि उनकी जवाबदारी कम हो जाए सो so दैट वॉज इंद्रधनुष प्लान सेवेंटी थाउजेंड करोड़ इन्वेस्टेड इन पब्लिक सेक्टर बैंक ताकि वो बासल थ्री नॉम से कंप्लाई कर सके उसके बाद थोड़ा टाइम और आगे बढ़ते हैं तो सरकार को पता चला कि जो डेडलाइन थी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन तक ये सब बैंकों के रिस्क वेड एसेट के सामने नाइन परसेंट उनके पास कैपिटल होना चाहिए तो धीरे धीरे आप जानते हैं कि बैंकों की बैड लोन्स भी बढ़ रही थी तो उस हिसाब से क्वांटिटी में उनको ज़्यादा कैपिटल चाहिए था तो गवर्नमेंट को पता चला कि मोर देन टू लैक करोड़ रुपीज़ विल बी रिक्वायर्ड टू हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इतना पैसा तो सरकार के पास भी नहीं था तो सरकार ने फिर बाज़ार में नए बॉन्ड पब्लिक सेक्टर बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स और ये भी बॉन्ड इशू किए मतलब RBA के द्वारा वो तो यहाँ पर सब इन्वेस्टर को बोला गया कि आप हमारे ये पी एस बी री बॉन्ड खरीदो हम उस पर आपको करीब सेवन परसेंट ब्याज देंगे और प्रिंसिपल हम आपको टू थाउजेंड ट्वेंटी एट से लेके थर्टी थ्री अलग अलग बैच में इशू किए थे तो बोला ये वाले साल में आपको मूलधन प्रिंसिपल भी वापस करेंगे सो दैट इज मैचोरिटी यर बट यू हैव टू होल्ड इट टिल मैचोरिटी मतलब आप बीच में आ जाओ कि ही 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 ये 2021 हजार इक्कीस है और मुझको पैसा वापस करो तो सरकार वापस नहीं करेगी यू कैनॉट रिडीम इट बिफोर द मैचोरिटी डेट थर्ड दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल आगे याद करो वो बीड़े मास्टर था उसने तो अपने शेयर्स जेठालाल को सॉरी uh, बॉन्ड्स जो थे जेठालाल को सेल कर दिए थे ऑपरेशन ट्विस्ट और वो सब चीजें लेकिन ये वाले बॉन्ड ऐसे हैं कि आप इसको थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर सकते आपने इसको अपने हाथ में ही रखना होगा टिल द मेचोरिटी डेट एंड लास्टली दिज आर नॉन कन्वर्टेबल मतलब ये बॉन्ड है तो बॉन्ड ही रहेंगे ये वाले बॉन्ड शेयर्स नहीं बनेंगे दे आर नॉन कन्वर्टेबल इन नेचर तो ये बस ऐसे फीचर हैं जो कुछ बहुत खींच के पूछा जाए तो याद रखना है अदरवाइज डोंट वरी सो मच और ऐसा करके इन्वेस्टर जितना भी पैसा देंगे वो सब पैसा ये बैंकों को रिकैपिटलाइज करने में सरकार यूज़ करेगी तो अब इक्वेशन जो सपोज एक रुपये का कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस प्रॉफिट और ये उस तरफ एसेट्स और शर्त तकलीफ क्या हुई कि यहाँ पर मोर देन टू लैख करोड़ रुपीज चाहिए तभी हम लोग बासेल नाम से कंप्लाई कर सकते हैं बैंक वाले खुद से शेयर बॉन्ड इशू करने जाए तो कोई इन्वेस्टर उनको भाव दे नहीं रहे थे इसलिए सरकार ने खुद से रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू करे उसकी मदद से जो पैसा आएगा वो सरकार इधर इन्वेस्ट करेगी सो नाउ व्हाट विल में इन्वेस्टर ने सरकार को पैसा दिया है सरकार फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगी कि आपके पास जितना शेयर है आप मुझे एडिशनल शेयर अलॉट करो और उसके सामने मैं ये वाले पैसे आपको अलॉट करता और फिर जब आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से डिविडेंड के स्वरूप में आपने मुझे पैसे देते रहने होंगे तो इससे फायदा क्या है ये एस वाला सीधा ये वाली पार्टी को जाके अपने शेयर बॉन्ड क्यों नहीं देता ऐसे क्यों नहीं पैसा लेके आता ऐसा उल्टा करके लाने की क्या जरूरत है कि पहले पैसा गवर्नमेंट के पास जाए फिर इधर आए क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद से बॉन्ड इश्यू करता है या तो ये सब इन्वेस्टर क्या बोलते हैं नहीं हमको एटीन परसेंट इंटरेस्ट दो तो लेंगे सरकार ने तो बोला मैं तो सेवन परसेंट ही दूंगा और ये इन्वेस्टर खरीदेंगे भी क्यों क्योंकि सरकार की सॉवेरिन गारंटी है कि हम पैसा वापस करेंगे हम ये यस बैंक या पी बैंक नहीं है कि भाग जाएंगे यानी कि इन्वेस्टर का रिस्क कम है इसलिए वहां पर रिवॉर्ड के रूप में ऊंचा इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा मुद्दा इधर खत्म होता है। ये जो बासेल है, जो बॉन्ड वो फेज वाइज मैनर में धीरे धीरे करके सरकार ने इश्यू किए थे तो जितनी बार इश्यू होते हैं उतनी बार हिंदू के कॉलमनिस्ट दे गो क्रेजियर देन यूजुअल और उसमें पूरा पन्ना भर के ऐसा नहीं एक्स जो ये किया ये नहीं उन्होंने वाई हमारा सजेशन करना चाहिए था और इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और 2028 में सब वो बॉन्ड का पैसा वापस जाएगा तो बाजार में ये इन्फ्लेशन होगा वगैरह वो 500 सौ जा के जो चीजें बनाते हैं हमारे लिए काम करें और उसमें से डेली न्यूज एनालिसिस पी डी मैगजीन वाले भी बेफील्ड में पन्ने भर भर के पढ़ाते हैं वो भी कुछ काम के नहीं आज के लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको दिखा है कितने बेसिक लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं सो डू नॉट वेस्ट टाइम लाइक दैट ये सारी जो हमने पढ़ाई करी उसमें से 2018 में एक प्रश्न है वो हम लोग सॉल्व करेंगे फिर एक ब्रेक लेते हैं द क्वेश्चन इज लाइक दिस अबाउट द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट नंबर वन कैपिटल इन्फ्यूजन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेट पिछले दस वर्षों में जितना पूंजीकरण का पैसा सरकार ने दिया है वो उत्तरोत्तर उसमें बढ़ोतरी हुई है स्टेटमेंट टू

अमित गौरव सुनील ध्रुव मनीष विनय नवीन संदीप हर्षल सोनू नवदीप जाग्रत शशि कुमार किशन कुशाग्र अंबुज गौरव अमित अनिश ये सब लोग फिर रोहन शिवम पृथ्वी कारजे मनीष रणप्रीत सोनू

To put the public sector banks in order, merger of the associated bank with parent SBI has been affected. वो हमने देखा कैसे देना बैंक और विजया बैंक उनकी आप अलग से शेयर बॉन्ड बाजार में इश्यू करो तो पब्लिक भाव नहीं देगी इसलिए उसको हमने बैंक ऑफ बड़ोड़ा में मर्ज कर दिया और सिमिलरली ये जो एसोसिएटेड बैंक उनको भी मर्ज किया गया ताकि ठीक से सब काम हो सके तो यहाँ पर जो बात है कि पुट दैम इन ऑर्डर तो ऑर्डर मतलब क्या ऑर्डर का मतलब है इन द सेंस ऑफ एफिशिएंसी गवर्नेंस प्रॉफिटेबिलिटी कम्प्लायस विथ सेक्ट नॉर्म्स वो सब के लिए ये किया गया तो हाँ वो तो बराबर है एक हीकरण से वो सब फायदे हुए सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट यानी जवाब में क्या हो सकता है या तो बी हो सकता है या फिर सी जवाब होता है सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि पहला वाक्य सही है कि गलत है पिछले दशक में स्टडीली इंक्रीज कैपिटल इन्फ्यूजन और नॉट अब इसका जवाब आसानी से नहीं मिलता क्योंकि हमने सी का रिपोर्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसकी रिपोर्ट हम लोग सर्च करें तो पता चलता है कि जब ये 2018 में पूछा गया तो मतलब 10 साल 2008 थाउजेंड टू एटीन आप पाएंगे कि हर साल सरकार ने सरकारी बैंकों में कितना रिकैपिटलाइजेशन के नाम पर पैसा डाला 1900 करोड़ फिर 20000 करोड़ फिर 12000 करोड़ फिर वापस गिरा फिर ऊपर गया फिर नीचे गया ऐसा करते करते बढ़ते रहता है दैट इज़ अप टू थाउजेंड और उसके बाद बजट ट्वेंटी ट्वेंटी में हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुने तो वहां पर वो ऐसा बोलती है कि हमने साढ़े तीन लाख करोड़ का रीकेपिटलाइजेशन रिसेंट ईयर में किया है अब वो रिसेंट ईयर मतलब कितने वो तो आप जानते हैं हवाबाजी में आत्मनिर्भर भारत मारपीट में जैसे बीस लाख करोड़ दिखाए गए सिमिलर थिंग्स हैपन बट द पॉइंट इज ओवर द क्या हुआ है उत्तरोत्तर प्रगति हुई है उत्तरोत्तर प्रगति हुई है भाई नहीं हुई है ये तो जिग जेग जिगैग चल रहा है कम होता है बढ़ता है कम होता है बढ़ता है तो इसको हम लोग स्टेडिली इंक्रीज उत्तरोत्तर प्रगति या बढ़ोतरी हुई है द आंसर इज यस नहीं द आंसर इज नो तो मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है कि कैपिटल इन्फ्यूजन इन पब्लिक सेक्टर बैंक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेडिली इंक्रीज द आंसर इज नो तो यानी कि जवाब क्या होगा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो फिर बचता है जवाब दैट इज बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट अब ये प्रश्न पूछा गया तो मतलब इसको देखकर क्या हमने सीएजी के भी सारे रिपोर्ट देख के जाने चाहिए नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि वो सब करने गए तो उसका कॉस्ट बेनिफिट इतना बेहतर नहीं फिफ्टी फिफ्टी से कुछ कर सकते हैं तो किया अदरवाइज इसको स्किप भी कर दिया तो कोई नहीं अच्छा ही काम किया है डू नॉट वरी अबाउट दैट ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जवाब भी है और उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब भी स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो किसी ग्राफ में स्टेडीली इंक्रीज या स्टेडीली डिक्रीज तो उसका मतलब क्या है अगर ऐसे जिक कुछ हो रहा है तो उसको हम स्टेडी इंक्रीज या स्टेडी डिक्रीज नहीं बोल सकते क्योंकि वैसे तो आप देखिए कि अगर 2008 में कितना 1900 और 2018 में कितना कितना और 2018 तो ऐसे तो दिखता है कि इंक्रीज हुआ है बट इसको उत्तरोत्तर बढ़ोतरी नहीं बोल सकते क्योंकि अप डाउन अप डाउन चला है तो हमने दो टाइप के प्रश्न देखे 2017 का प्रश्न याद करो क्या पूछा बासेल थ्री नॉम का ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेक्चर की शुरुआत में हमने देखा तो बहुत आसान थी कि वो बैंकिंग सेक्टर का कुछ और फिर 2018 में हमने देखा ये जो 10 साल में क्या हुआ है तो इसको तो हम मीडियम या टफ हो ही बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हमको ये सी का रिपोर्ट तो आसानी से अवेलेबल नहीं था प्रश्न में पूछा गया फिर गूगल सर्च किया फिर पता चला कि ऐसा हुआ था तो क्या करना चाहिए इसको देख के बस पूरा घुस जाना चाहिए बासर लॉम्स में द आंसर इज नो कट ऑफ इज नेवर अवर टू हंड्रेड आउट ऑफ टू हंड्रेड ठीक है पहले भी मैंने आपको ये पेड़ का चित्र दिखाया था कि ईजी टू मीडियम क्वेश्चन आप टारगेट करें तो कट ऑफ उससे निकल सकता है सो so, ऐसा सोच के चलना कि ये टफ में से टफ क्वेश्चन था ये सपोज की हाइएस्ट हैंगिंग हैप्पल इसको मैं सॉल्व करूँ तो उसका भाई यूपीएससी आपको कोई अलग से मेडल चिपकाने वाली है नहीं प्रीलीम के मार्क जो आपके हैं उससे मीन्स में आपका कन्वर्जन होता है मतलब मीन्स आपको देने के लिए वो बुलाते हैं बाकी फाइनल रैंकिंग में वो मार्क्स गिने नहीं जाते प्री में आपने कितना स्कोर किया हंड्रेड स्कोर किया है टू हंड्रेड तो थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो ये सिर्फ एक प्रश्न को देख कर ये ऐसा प्रश्न था जिसमें हमने सी का रिपोर्ट डाउनलोड करके देखना पड़े अब जो पी डी करंट अफेयर्स पी वाले उनको तो क्या मजा है उनको तो 90 पेजेस का मटेरियल बनाना है 200 पेजेस का मटेरियल बनाना है तो मारपीट के हर एक जगह फिर वो ऐसे ग्राफ इधर उधर से डाल देते हैं अननेसेसरी डिपोजिट ग्रोथ में ऐसा ट्रेंड है कैपिटलाइजेशन का ये ट्रेंड है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ये ट्रेंड है अफकोर्स थोड़ा बहुत हमको पता होना चाहिए बट हर जगह फिर बैठ जाओ कि ऐसा हर साल ये पूछेंगे तो हर साल ऐसे ग्राफ भी नहीं आते एक बार कुछ ऐसा प्रश्न है कि हॉर्स के बारे में घोड़े की कोई प्रजाति के बारे में पूछा गया तो इतना सारा मटेरियल लोगों ने बना दिया घोड़े की अलग अलग प्रजाति प्राचीन काल से लेके वर्तमान काल तक बट इन द नेक्स्ट ईयर यू इफ यू सी तो कुछ नहीं था सो डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट तो हमने दोस्तों पेज 104 तक पढ़ लिया लेटेस्ट टेक अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड सो मूविंग ऑन हमने ये पब्लिक सेक्टर बैंक का रिकैपिटलाइजेशन भी देख लिया अगला मुद्दा है ईज फ्रेमवर्क बैंक बॉर्ड ब्यूरो ये सब चीजें क्या हैं ये अभिषेक बच्चन इतना मौज में क्यों है क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी होगा मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं माय फादर विल टेक केयर ऑफ मी ये कौन है एसबीआई चेयरमैन ये भी मौज में क्यों है क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी होगा तो

वी हैव टू डू समू मेक दैम मोर अकाउंटेबल मोर रिस्पॉन्सिबल इन देयर बैंकिंग बिजनेस इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेस वो ज्ञान संगम का आयोजन करते हैं ज्ञान संगम बेसिकली वन टाइप ऑफ वर्कशॉप सेमिनार टू थाउजेंड फिफ्टीन के बाद वो धीरे धीरे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ये ज्ञान संगम वर्कशॉप में किसको बुलाएंगे फाइनेंशियल रेगुलेटर मतलब आर बी आई सैबी आई आर डी आई वगैरह पब्लिक सेक्टर बैंक वालों को पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियाँ सो लाइक दैट दिस पीपल विल बी इन्वाइटेड और उनको पूछा जाएगा कि हम क्या करें जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक और बेहतर काम कर सके और उसका आउटकम जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स के अंदर हम देख सकते हैं कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को स्प्लिट किया गया हायर ऑफिशल्स के सिलेक्शन के लिए एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क बनाया गया और फिर ये सब सरकारी बैंक ठीक से काम करे इसके लिए एक ईज फ्रेमवर्क बनाया गया जहां पर उनका परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाएगा सो दिस एक्टिविटीज हैव बीन प्लेस दिसविटीज जो ज्ञान संगम वर्कशॉप वो 2015 के बाद हुए तो किधर हुए थे कितनी बार हुए थे भाई ये इरेग्युलरली होते हैं ये कोई ऐसी एनुअल समिट नहीं कि हर साल होती है तो सब तैयार करने का कॉस्ट बेनिफिट बहुत है नहीं बट आउटकम यस आउटकम्स आर इंपॉर्टेंट तो वो देखते हैं कंसिडर द केस ऑफ एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो वहां पर सिस्टम क्या होगा नीचे शेयर होल्डर होंगे शेयर होल्डर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्शन से चुनेंगे और फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक आदमी बनेगा चेयरमैन सपोज ये है मिस्टर डॉक्टर संजीव मिश्रा और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक आदमी को मैनेजिंग डायरेक्टर का स्टेटस देंगे जैसे कि अमिताभ चौधरी तो मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या करेगा वो मैनेज करेगा डे टू डे काम करेगा तो डे टू डे वो एक्सिस बैंक चलाएगा नीचे उसके मैनेजर होंगे स्टाफ क्लर्क होगा कैशियर होगा और फिर वो बिजनेस करेंगे और बैंक का बिजनेस करने पर उनको प्रॉफिट होगा तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वापस बैठेगा एंड दे विल डिसाइड कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देना है और कितना हिस्सा वापस बैंक को एक्सपांड करने के लिए लगा देना है तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एक आदमी है चेयरमैन दूसरा आदमी टू डिफरेंट पीपल देश का प्रेसिडेंट एक आदमी प्राइम मिनिस्टर इज सेकंड पर्सन ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी इज बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों है दो अलग अलग आदमी दो अलग अलग जगह पर क्यों है कि रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर एक ही आदमी को दो जगह बिठाओ ना तो कम सैलरी देनी पड़े भाई ऐसा करेंगे तो फिर देर विल बी मोर विम्स डिक्टेटरशिप लेजीनेस चेक्स एंड बैलेंसेस कोई दूसरा हो तो एक दूसरे की काम को चेक कर सकते हैं कोई गलत कर रहा है उसको रोक सकते हैं वो सब फायदेमंद होता है सो बेटर टू हैव टू डिफरेंट पोस्ट ये आइडिया है प्राइवेट सेक्टर बैंकों के अंदर कि चेयरमैन सेपरेट होगा मैनेजिंग डायरेक्टर सेपरेट पर्सन होगा पब्लिक सेक्टर बैंक में पहले ऐसा नहीं था पब्लिक सेक्टर बैंक में सपोज एक आदमी हो चेयर मैनेजिंग डायरेक्टर तो वही चेयरमैन की पोस्ट पे भी बैठ जाएगा मतलब ये ऐसा विजुलाइज करो कि प्रेसिडेंट भी नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी तो बिफोर सेम गाय वुड सिटी इन बोथ द पोस्ट तो उससे क्या कि बीम्स एंड फैंसीज और उसकी तरंग पे जो आएगा ऐसा डिक्टेटरशिप में बैंक चलते रहेगा कभी अच्छा करेगा बुरा करेगा लेकिन ये ज्ञान संगम रिफॉर्म्स के बाद सरकार ने तय किया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी हम प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसा करेंगे मतलब दो अलग अलग आदमी चेयरमैन अलग जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में चेयरमैन हसमुखड़िया हु इज अ फॉर्मर आई ऑफिसर और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर वो अलग दूसरा आदमी होगा तो इसको हम क्या बोलें स्प्लिट कर दिया चेयरमैन अलग मैनेजिंग डायरेक्टर अलग कुछ जगह मैनेजिंग डायरेक्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ का भी लेबल देते हैं बट बेसिकली एमडी सीईओ इज सेपरेट चेयरमैन इज सेपरेट दैट इज वन रिफॉर्म ऐसा करने से मतलब दो लोग होंगे तो बेहतर काम होगा सेकेंड प्रश्न ये है कि इनको सिलेक्ट कौन करेगा हु विल सिलेक्ट दिस हायर ऑफिशियल्स नीचे मैनेजर और क्लर्क को तो सिलेक्ट करने का आई बी पी एस एग्जाम है बट ऊपर एमडी किस को बनाए वो कौन तय करे उसके लिए बी 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 यानी बैंक बॉर्ड ब्यूरो नाम की संस्था बनाएंगे सो हु रिक्रूट द टॉप ऑफिशियल्स इन द पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंटरमीडियर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक एल और दूसरे पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां जिनके बारे में हम लोग पिलर वन डी में देखेंगे एंड सम इवन अदर पब्लिक सेक्टर एफ जैसे नाबार्ड सी डी बी वगैरह तो ये एक तरफ और सामने रिक्रूटमेंट ऑफ टॉप ऑफिशियल्स मतलब वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर या सी मतलब ये एक आदमी चेयरमैन मतलब दूसरा आदमी और दूसरे जो फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उन सबको कौन सेलेक्ट करेगा उसके लिए संस्था बनाई जाती है जिसका नाम है बैंक बोर्ड ब्यूरो तो जिसको भी इच्छा है वो अपना बायोडाटा यहाँ पर भेजेंगे और ये बैंक बोर्ड ब्यूरो वाले उसका इंटरव्यू लेंगे मित्रों ये बैंक बोर्ड ब्यूरो कोई स्टेचुटरी बॉडी नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं तो इसके मेंबर चेयरमैन उसकी एज मिनिमम या मैक्सिमम एज या रिप अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं उसके बारे में कुछ क्लैरिटी सरकार ने दी नहीं सो दे आर वेग मतलब क्लैरिटी नहीं है जैसे आप यूपीएससी में बोल सकते हैं या सी में बोल सकते हैं ऐसा इधर कुछ कड़क नियम उन्होंने बनाए नहीं बट बेसिकली हाँ बैंक बोर्ड ब्यूरो नाम की चीज होती है ज्यादातर आप पाएंगे कि उसका भी बॉस जो होता है यूजुअली सम रिटायर्ड आई को वो बना देते हैं ये लोग इंटरव्यू लेंगे सब जिस जिसको नौकरी चाहिए चेयरमैन एम वगैरह बनना है और फिर वो लोग नाम रेकमेंड करेंगे दिस पीपल वी हैव फाउंड सुटेबल फॉर बिकमिंग चेयरमैन ऑफ नाबार्ड फॉर बिकमिंग एम ऑफ एल ऐसा लिस्ट बनाकर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वित्तीय सेवा विभाग को देगा और फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उन कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र देगा ये सिस्टम कुछ ऐसा ही है कि यूपीएससी आपका एग्जाम लेकर आपका सिर्फ नाम रेकमेंड करता है आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आएगा वो काम कौन देखता है डी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग सो सिमिलरली यहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो वाले सिर्फ इंटरव्यू लेंगे एक प्रकार का एग्जाम आपका लिया

उसके अलावा भी और कुछ रिफॉर्म्स लो परसोनल रिफॉर्म के नाम पर रिक्रूटमेंट के अंदर कैंपस रिक्रूटमेंट और लेटरल एंट्री अलाउ करो और सैलरी के नाम पर एम्प्लॉ स्टॉक एक्सचेंज ई एस ऐसा कुछ करो ये क्या मुद्दे एक एक करके देखते हैं अब का सिस्टम क्या happens, है एट प्रेजेंट वॉट हैपन्स क्लैरिकल स्टाफ है मैनेजर हैं असिस्टेंट मैनेजर या वो प्रोबेशनरी ऑफिसर तो उनको रिक्रूट करने के लिए वो आई की एग्ज़ाम होती है एस वाले अपना अलग से एग्ज़ाम लेते हैं और फिर उनके ऊपर जो होते हैं डेप्यूटी मैनेजर डेप्यूटी जनरल मैनेजर वगैरह वो कौन बनता है तो ये जो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर बना होगा उसी का प्रमोशन होते होते वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर वगैरह बनेगा तो हम कहते हैं इनसाइडर बराबर उनका ही प्रमोशन होके होके वो आगे बढ़ते हैं एंड अल्टीमेटली उसकी लंबे टाइम की नौकरी हो जाए एक्सपीरियंस हो जाए फिर जब सरकार ने बैंकों के चेयरमैन एम डायरेक्टर रिक्रूट करने होंगे तो वो एडवर्टाइजमेंट देंगे और उसमें लिखा होगा कि इतने साल का एक्सपीरियंस और मिनिमम ये वाली पोस्ट पर नौकरी करी होनी चाहिए तो यही सब डेप्यूटी जनरल मैनेजर वगैरह वहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो वाले उसका इंटरव्यू करेंगे और जो आदमी उनको ठीक लगेगा उसका नाम रेकमेंड होगा और वो बैंकों के चेयरमैन एम बन जाएंगे सो दिस सिस्टम इज गोइंग ऑन तो यहाँ पर टैलेंटेड लोगों को भी लाना होगा ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है सो हाउ टू डू दैट टैलेंटेड लोगों में यहाँ पर ये जो मैनेजर्स हम लोग शुरुआत में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर सिलेक्ट करते हैं अभी हम लोग आई बी पी एस सेलेक्ट करते हैं ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें आप जानते हो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सब बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह पूछा जाता है इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि वो रुक तो सिस्टम हम कंटिन्यू ही रखें बट साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टीम्स है जैसे मार्केटिंग आई टी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट लोग होंगे कि जो सीधा कॉलेज में पढ़ते हैं और उन सबको तो ये नहीं आता होगा कि करंट अफेयर्स में ये रट्टा मार के जाओ और ये अकबर पहले आया था कि जहांगीर पहले आया था तो ऐसे लोगों का भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो और उनके टैलेंट का हमको फ़ायदा मिले कुछ करना चाहिए सो दे हैव सजेस्टेड डायरेक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट इन सम एरियाज लाइक मार्केटिंग आईटी, एचआरएम। तो उसके जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस हों जैसे आई आई एम है या एक्सएल आर आई जमशेदपुर या कुछ और वहाँ से सीधा कैंपस रिक्रूटमेंट में कुछ लोगों को भर्ती किया जाए वन थिंग सेकेंड मैंने आपको बताया कि ये जो असिस्टेंट मैनेजर होंगे फिर वो आगे बढ़ते हुए डेप्यूटी मैनेजर प्रमोशन होते होते वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर बनेगा यानी कि अंदर का ही आदमी प्रमोशन होके होके आगे बढ़ता है तो सपोज कोई बाहर का आदमी है जैसे सिटी बैंक या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में सीनियर मैनेजर है और वो यहाँ पर बोले कि मैं अब दस साल के बाद इधर डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनना चाहता हूँ इज इट अलाउड हाल तो ये अलाउड नहीं है इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि ऐसा लेटरल एंट्री पार्श्व प्रवेश भी हमने करना चाहिए कि ऐसे दूसरे लोग भी आए तो उनके दिमाग में और वो जितना बाहर सीख के आए हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो तो हम और नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं अच्छा काम हो सकता है सो दैट इज द रिफॉर्म सजेस्टेड इन द रिक्रूटमेंट नेक्स्ट अभी सरकारी बैंकों में आपको सैलरी मिलती है नौकरी करोगे तो इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया कि उसके अलावा ये सरकारी बैंक के कुछ शेयर्स भी एम्प्लॉय को दिए जाए जैसा कि एप्पल के अंदर टीम कुक उनका जो मेन बॉस है तो उसको सैलरी भी मिलती है और एक्स्ट्रा उसको कंपनी के कुछ शेयर्स भी दिए जाते हैं ताकि जितना कंपनी प्रॉफ़िट करे तो डिविडेंड के रूप में उसको और पैसा मिले और उसको मोटिवेशन मिले कि यस 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 नाउ आई एम पार्ट टाइम ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक या ऑर्गेनाइजेशन तो मैं ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि मैं इसमें जितना प्रॉफिट करवाऊँगा तो उसमें से मुझे डिविडेंड भी मिलेगा तो मैं दिल जान से यहाँ पर काम करूँगा तो जैसे टेस्ला में इलॉन मस्क है या टिम कुक है एप्पल कंपनी में या सत्य नदेला माइक्रोसॉफ्ट में इन सब को ऐसा सैलरी पैकेज होता है जहां पर सैलरी प्लस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी ई एस ओ पी दिया जाता है सो इफ यू गेट दिस टाइप ऑफ थिंग फायदा क्या है अगर हाथ में रखोगे ऐसे शेयर तो जितना प्रॉफिट होगा कंपनी को आपको डिविडेंड मिलेगा आपको नहीं मजा आता है तो आप शेयर मार्केट में किसी थर्ड पार्टी को अपने शेयर सेल कर सकते हो जो हम लोग पिलर वन सी में कल से पढ़ना शुरू करेंगे और ये कंपनी प्रॉफिट करेगी डिविडेंड मिलेगा वो काम भी कर सकते हैं अगर नहीं बेचा तो तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला हमने ऐसा यहाँ करना चाहिए ताकि ये सब स्टाफ वाले लोग मोटिवेटेड होके सरकारी बैंक में काम करें एंड नेक्स्ट इनमें से कुछ स्टाफ मेंबर को ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहाँ पर भी रेप्रजेंटेशन मिलना चाहिए क्योंकि जो शेयर होल्डर है तो ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी वो उनमें से कुछ लोग बैठ सकते हैं तो ये जितने भी सपोज बैंक के क्लर्क या मैनेजर हैं उसमें से एक दो लोगों को वहाँ पर आगे बढ़ा दो सो दैट दे केन ऑल्सो हेल्प कि हमको बैंक में ये प्रॉब्लम है हमारा कंप्यूटर ठीक से नहीं चलता है सिक्योरिटी गार्ड की समस्या है सो वी कैन मेक सम बेटर पॉलिसी वगैरह सो दीज आर सम ऑफ द सजेशन गिवन बाई इकोनॉमिक सर्वे इन वॉल्यूम चैप्टर से गोल्डन जूबिली ऑफ द बैंक नेशनलाइजेशन तो ये काम तो हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट लेटरल एंट्री और फिर एम्प्लॉज टैक ऑप्शन प्लान वो भी देख लिया हमने अब यहाँ पर आगे क्या काम हुआ रिकैपिटलाइजेशन के लिए हमने आगे देखा कैसे इंद्रधनुष के अंदर 70000 करोड़ रुपीस का रीकैपिटलाइजेशन हुआ वो हमने देखा और वो भी फेज वाइज मैनर में कि 25000 करोड़ 25000 करोड़ 10000 करोड़ ऐसा करते-करते 70000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए गए उसमें से हर एक बैंक को कितना मिला एसबीआई को कितना पंजाब नेशनल बैंक को कितना तो वहां पर सरकार ने कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए थे कि आपने गरीब लोगों के कितने बैंक अकाउंट खोले वगैरह उस हिसाब से कम ज्यादा हर बैंक को मिला सो दैट वॉज ऑल्सो रिफॉर्म की सब बैंकों को रिकेपिटलाइजेशन के नाम पर देनादन सरकार ने पैसा नहीं दिया एंड लास्टली ईज फ्रेमवर्क ये क्या समझते फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो लेकर आई ईज फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस बेसिकली यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंकों को बोला गया कि आप जितने घमंडी हैं और जितने बेफिक्र हैं एरोग केयर फ्री वो एटीट्यूड आपने छोड़ना होगा और आपने सिक्स पिलर्स पर फोकस करना होगा ये सिक्स पिलर्स क्या है पहला कि कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाओ ये पूरा दिन लंच ब्रेक है करके कुछ काम नहीं करते भाई ठीक से काम करो एनपी और फाइनेंशियल फ्रॉड कम करो हमने आगे भी देखा था नाइन्टी परसेंट ऑफ द फ्रॉड हैपनिंग इन सरकारी बैंक तो वो कम करो देन क्रेडिट ऑफ टेक अब कई बार देखेंगे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो एक्सिस बैंक वालों का स्टॉल जैसा लगा होता है और वो आपको बोले सर बाइक लोन चाहिए सर कार लोन चाहिए ये वाला वो क्रेडिट कार्ड ले लो सो so सिमिलरली सरकारी बैंक वालों ने भी खुद से लोन मेला स्टॉल वगैरह लगाए ताकि होम लोन ऑटो लोन एजुकेशन लोन जम कर आप लोन घुमाओ फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उनकी मदद करने के लिए सीढ़ी का एक उद्यमी मित्र पोर्टल है तो वहाँ जितने लघु उद्योग वाले अप्लाई करें जल्दी जल्दी उनके लोन पास करने का कुछ कनेक्शन करो फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर गरीबों के लोन गरीबों के बैंक अकाउंट खोलो डिजिटाइजेशन के नाम पर ये यूपीआई भीम ये सब अडोप्शन को और बढ़ाने की कोशिश करो एंड लास्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसके लिए मतलब एम्प्लॉय आपके पास हैं तो उनकी ट्रेनिंग प्रमोशन के अंदर आप कुछ रिफॉर्म्स लिए ताकि वो भी बहुत मोटिवेट होके काम करें ये सब सरकारी बैंकों ने ऐसा घमंडी और आलसी रवैया छोड़ के ऐसे काम करना होगा दैट इज़ द ईज फ्रेमवर्क अब शुरू शुरू में तो बहुत इसका डिंडोरा पीटा था कि यहाँ पर गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी और सबको रैंकिंग देगी बट वो एक आध साल किया फिर तो उनके एनुअल रिपोर्ट भी रेगुलरली आते नहीं तो मतलब ये अब कुछ क्या है कोल्ड स्टोरेज जैसी चीज़ है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है लेकिन हमें कुछ पूछा जाए देन यू कैन राइट हाँ बैंक नेशनलाइजेशन के बाद ऐसा ऐसा करेंगे तो और बेहतर काम हो सकता है अब यही चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी सपोज आपको लंबा ऐसे पूछा जाए बारह सौ शब्दों में ग्लोबल नेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के पचास साल या कुछ ऐसा एनपीए के बारे में या और कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म्स तो इसके अलावा और क्या क्या रिफॉर्म्स हम लोग लिख सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं तो इसके लिए प्रेजेंट इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम उससे पहले 2014 से 18 थे अरविंद सुब्रमण्यम तो उसने कुछ अप्रोच दिलवाए थे 4R एंड 4D उतना जमा करो तो काम हो गया तो पब्लिक सेक्टर बैंक के रिफॉर्म्स और ये बैड लोन या एनपीए का सलूशन उसमें क्या हो चुका है व्हाट हैज बीन डन ये पुराने इकोनॉमिक सर्वे के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने बोला वी हैव ऑलरेडी डन 4R आर के अंदर मतलब पहला आर क्या रेक ऑफ द बैड लोन्स तो उसके लिए याद करो आरबीआई ने एसेट क्वालिटी रिव्यू करवा दिया है देन दूसरा आर ऑफ द बैड लोन्स तो उसके लिए कोड प्रोजेक्ट सशक्त की जहां पर सरकारी बैंक वाले आई कोड के बाहर ही आपस में निपटारा कर ले वो सब हम कर चुके थर्ड आर इज रिकलाइजेशन पूंजीकरण फॉर द बासेल द्री नॉम्स तो वो भी हमने कर लिया इंद्रध अनुष प्लान देख लो या बैंकों के रिकेपिटलाइजेशन के बॉन्ड एंड लास्टली फोर्थ आर रिफॉर्म करो तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म जो हमने आगे देखे सीएमडी की पोस्ट को स्प्लिट किया गया और ये जो नई बात है कि लेटरल एंट्री वगैरह बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात करो ईज फ्रेमवर्क की बात करो तो बहुत सारी चीजें मुद्दे आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट वट मोर वी कैन डू हम लोग और क्या कर सकते हैं भविष्य में तो उसमें भी इकोनॉमिक सर्वे में पुराने इकोनॉमिक सर्वे में बोला फोर डी करो तो उसमें पहला डी है डीस इंटर डीस इंटर मतलब कब्र खोद के कुछ लोग ऐसे पुराने जमाने में आप जानते हैं कि लोग कोई मर जाए तो उसके साथ कुछ हीरे जवाहरात के साथ उसको दफनाया जाता था तो कुछ ऐसे ग्रेव रॉबर थे कब्र को लूटने वाले जो कब्र लूट के उसमें से ऐसे मुर्दों के भी हार निकाल लेते थे जवाहरात सो सिमिलरली ये जो हमारे बैड लोन हो गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो भी एक प्रकार के मुर्दे ही हो चुके तो उसके भी हम लोग सारे हार और आभूषण निकाल लें कैसे निकाल सकते हैं सरफाएसी एक्ट की मदद से इंसॉल्वेंसी बैंक कोड की मदद से तो और 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 बेहतर काम किए जाएं जो हमने आईबीसी कोड में और क्या कर सकते हैं हम पढ़ चुके हैं वो सारे मुद्दे लिख लो सरफा एसी में क्या हो सकता है उसके ज्यादा जजेस की और ट्रिब्यूनल आप अपॉइंट करें ताकि जल्दी जल्दी केस खत्म हो जाए क्योंकि अभी तो वहां पर हमने देखा कैसे 4.3 इयर्स लगते हैं तो जल्दी निपटारा होना चाहिए

फेंक दो प्राइवेटाइज कर दो थर्ड डी डाइवर्सीफाई विभिन्नता लाओ वी शुड अलाउ मोर नंबर ऑफ बैंक वी शुड अलाउ मोर वेराइटी ऑफ बैंक तो उसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक हम लेके आए हैं लेकिन हमने आगे पढ़ा उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पेमेंट बैंक की प्रॉब्लम क्या है ऑपरेशनल डिफिकल्टी वो किसी को लोन नहीं दे सकते तो बिजनेस करना मुश्किल है तो उनकी जो जो प्रॉब्लम्स है उसको आप एड्रेस करें ताकि वो लोग भी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर सारे मुद्दे वहाँ पर मदद कर सके तो ये हो गया एक डी और फिर लास्ट चौथा डी है डी रेगुलेट नियंत्रण थोड़ा कम करो जैसे कि अपना एस एल आर है एटीन परसेंट तो इसको थोड़ा और कम किया जाए सपोज फिफ्टीन परसेंट तो बैंकों के पास लोन में घुमाने के लिए और फंड बढ़ जाएंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा है फिर अगर हम लोग कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को और एनकरेज करें तो मुकेश अंबानी रतन टाटा वो वहाँ से ही अपना पैसा बोरो कर लेंगे तो बैंक के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाएगा और बैंक वाले फिर आम लोगों को और ज्यादा लोन में पैसा घुमाए तो आम लोग जाके बाइक और मोबाइल और घर की खरीदी करे वो सब हो सकता है तो ऐसे भी कुछ काम करने चाहिए जैसे कि कारपोरेट बॉन्ड मार्केट को एनकरेज करने के लिए याद करो वो ट्राई पार्टी रेपोरेट जो हमने पिलर वन एन वन ए टू में मॉनिटरी पॉलिसी में देखा था तो ये सब लिखिए डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट यू कैन इजिली असेंबल द थिंग्स यहाँ पर से प्रिलियम 2019 में एक और टफ क्वेश्चन पूछा गया द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय ब्लैंक ऑप्शन ए बैंक बॉल ब्यूरो ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन सी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री या ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न बैंक और आपके ऑप्शन आंसर की टाइम लिमिट शुरू होती है आप विश्वा नरेंद्र आयुष वॉरियर निर्मलप्रीत अनुपम माधव पूर्णा शशांक नेहा प्रीति ममता थॉमस पुष्पेंद्र ओमकार अभिलाष आशीष प्रणव अमृता पिंकी देवोजीत अमरीन अमर खुशबू अंकित मोनालिसा जागरूत सिद्धार्थ सुहान निमिष रजत मेहुल दिव्यांशु दिवाकर शिवानशु यश ये सब लोग और फिर रोहन शिवम ऋत्विक सोनू सनी आकाश यश वीनू साक्षी ध्रुव फाइव आउट ऑफ तो फाइव करेक्ट कांग्रेचुलेशन क्या जवाब भाई एटी फोर परसेंट लोगों ने सही किया बैंक बॉर्ड ब्यूरो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है चेयरमैन होता है एमडी होते हैं फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं उन सबको सिलेक्ट करने के लिए कौन बैठा है बैंक बॉर्ड ब्यूरो वो लोग इंटरव्यू लेंगे इंटरव्यू लेकर वो नाम सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे भेजे जाएंगे सरकार में सरकार आपको अपॉइंटमेंट लेटर देती तो इधर कुछ लोग फिर कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं भाई सिलेक्टेड बाय सिलेक्टेड बाय कौन चयन करता है चयन तो ये लोग करते हैं आफ्टर वर्ड आपको अपॉइंटमेंट लेटर किधर से जा रहे हैं तो कुछ लोगों को लग सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बोल सकते बट यू लुक एट द वर्ड सिलेक्टेड बाय आपको कौन सिलेक्ट करता है इसमें यूपीएससी सेलेक्ट करती है बैंक में कौन सेलेक्ट करता है चेयरमैन की जॉब मांगता है तो बैंक बोर्ड ब्यूरो अब यहाँ पर भी देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो में कितने मेंबर हैं उसकी मिनिमम एज क्या है या बैंक चेयरमैन बनने की मिनिमम एज क्या है वो सब मिकैनिजम्स नहीं पूछे क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेचुटरी बॉडी नहीं कि हमको बहुत डिटेल में जाना पड़े बेसिक मोटिव उसका वर्ड एसोसिएशन होना चाहिए जो हमने पढ़ लिया थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो सो वी आर डन अप टू पेज वन जीरो एट इसके बाद जो मुद्दा है आई एल एफ एस क्राइसिस शेडो बैंकिंग और उसके बाद लिए गए रिफॉर्म्स बट वो ऐसा मुद्दा है कि पूरा फ्रेश माइंड के साथ आधा घंटा और चलेगा सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते you uh -huh. तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा प्रीलिम 2019 का प्रश्न कि वो भी काफ़ी आसान था बैंक बोर्ड ब्यूरो चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक राइट सो अगेन दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू बासेल नॉम्स वाली चीज़ की वर्ड एसोसिएशन पे पहला फोकस होना चाहिए अब जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आई एल एफ एस क्राइसिस वहाँ पर भी आप पाएंगे कि बहुत सारे तकनीकी सुधार ये किया वो किया प्राइमरी फोकस की वर्ड एसोसिएशन हाँ ये यह यहाँ पर ऐसे बैठता है बियॉन्ड दैट कितना परसेंटेज था कितना करोड़ था किस तारीख को डोंट वरी सो मच। तक कोई भी कांड की बात है मतलब स्कैम सहारा स्कैम में क्या हुआ एन स्कैम में क्या हुआ चीट फंड स्कैम में क्या हुआ नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक के स्कैम में क्या हुआ आईसीआईसी और के लोन स्कैम में क्या हुआ पीएमसी स्कैम में क्या हुआ आई एल एफ स्कैम में क्या हुआ यस बैंक स्कैम में क्या हुआ कांड कैसे हुआ था यूपीएससी ऐसा डिस्क्राइब इन टू फिफ्टी वर्ड्स नहीं पूछती इनफैक्ट कांड होने के बाद जो रिफॉर्म्स लिए गए उसके बारे में भी रेयरली पूछा जाता है एक बार ऐसा पूछा था कि सत्यम कांड होने के बाद सत्यम कंप्यूटर कंपनी थी उसका मालिक रामा राजू कुछ अकाउंट बुक में दानले करता था तो उसके कांड के बाद सरकार ने क्या रिफॉर्म लिए ऐसा एक बार प्रश्न में बहुत टाइम पहले पूछा गया अदरवाइज इवन रिफॉर्म्स के बारे में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में प्रश्न आते हैं इसलिए अननेसेसरी ये लोग तो मतलब पूरा दिन लगे रहेंगे बट हमको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं यूपीएससी डज नॉट आस्क हाउ एग्जैक्टली द स्कैम वॉज कमिटेड लेकिन हमें ये आई एल एफ एस क्राइसिस एन बी एफ सी क्राइसिस शेडो बैंकिंग ये सब तैयार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और उसका वॉल्यूम वन चैप्टर एट वहाँ पर बोला गया फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी इन द एन बी एफ सी सेक्टर एन क्षेत्र में वित्तीय भंगुरता तो उसने बहुत सारे आयाम दिखाए तो फिर हमें मेन्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में आया था तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक तरफ होते हैं बैंक दूसरी तरफ होते हैं नॉन बैंक नॉन बैंक के अंदर हमने ये सब देखा आई फाई एग्जिम नाबार्ड हाउसिंग बैंक सिर्फ भी वो तो भाई कायदे से काम अच्छे से करते हैं क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन है वहाँ पर प्रॉब्लम आता है ये जो इधर एन है और वहाँ पर भी आई एल एफ एस कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी उन्होंने कुछ दांधलिया की थी और उसके चलते पूरी इकोनॉमी में कुछ क्राइसिस दिखी उससे हमने कैसे लड़ना है आगे क्या करना है ऐसा मतलब मेन्स वाला पॉइंट अब शुरू हो रहा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज़ दिस आई एल एफ एस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 1987 में मुंबई में बनती है इसका मालिक या शेयर होल्डर कौन है एल आई सी ट्वेंटी फाइव परसेंट फिर जापान की कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्वेंटी थ्री परसेंट अबू धाबी की कोई ऑर्गेनाइजेशन थर्टीन परसेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई एच डी एफ सी उनके थोड़े थोड़े परसेंट करके शेयर होल्डिंग से ये बनता है इंटरनल ये सब कितना परसेंटेज बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं सफिशेंट उग्रो की हाँ भारत के और विदेश के सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर इसको बनाया दिस इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इट इज़ नॉन डिपोजिट टेकिंग ये बजाज फिनसर जैसा नहीं है कि जहाँ पर आप फिक्स डिपोजिट में पैसा रख सको ना ये लोग बाजार में अपने बॉन्ड इशू करेंगे कमर्शियल पेपर इशू करेंगे और पैसा लेकर आएंगे इट इज़ अ सिस्टेमेटिकली इम्पॉर्टेंट एन क्योंकि इसकी जो टोटल एसेट्स हैं वो 500 करोड़ से ज़्यादा है ऐसा जब भी होता है तो आर बोल देता है कि दिस इज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट तो हम इसे बोलेंगे एन बी डैश एन मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग डैश ऐसा ही मतलब सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट तो क्राइसिस क्यों हुई बैंकों के अंदर आप पैसा सेविंग में डालो कितना मिलता है इंटरेस्ट अराउंड फोर टू सिक्स परसेंट और ये तो कोरोना क्राइसिस के पहले के टाइम की बात है आजकल तो अराउंड थ्री टू फाइव परसेंट थ्री टू परसेंट समथिंग से लेके फाइव परसेंट बहुत ही निकम्मे हो गए बैंक तो मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलता नहीं तो वो ये सोचने लगे कि क्यों ना हम लोग म्यूचुअल फंड में जाकर इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फ़ंड वाले भी बीच में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर करके ऐसा माहौल बनाया था कि लोग कि हाँ उसमें करते मजा आ जाएगा सो लाइक दैट पीपल हैड इन्वेस्टेड इन टाटा म्यूचुअल फ़ंड रिलायंस म्यूचुअल फ़ंड बहुत सारे म्यूचुअल फ़ंड म्यूचुअल फंड का काम आप जानते हैं पब्लिक से पैसा मोबिलाइज़ करेंगे और अलग अलग कंपनियों के शेयर बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करते हैं तो ये टाटा म्यूचुअल फंड वगैरह ने इन्वेस्ट किधर किया आई के अंदर अब आई वाले उन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स भी लिए थे अपने बॉन्ड इशू करे थे सीड से लोन लिया था आईडीबीआई से लोन लिया था और फिर शॉर्ट टर्म के लिए उनको लोन चाहिए था तो कमर्शियल पेपर इंटर कॉरपोरेट डिपोजिट्स ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट इशू करे थे इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट हम लोग पिलर वन सी में देखेंगे बट बहुत ज़्यादा कि वो कैसे काम करते हैं क्या होता है बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं सफिशेंट उनकी लॉन्ग टर्म मतलब क्या मोर देन वन ईयर के लिए पैसा बोरो करना है तो शॉर्ट टर्म मतलब क्या अप टू वन ईयर के लिए पैसा बोरो करना है तो कमर्शियल पेपर वगैरह वो इशू करते हैं म्यूचुअल फंड ने पब्लिक का पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो आई एल एंड एफ़ एस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्या है लाइबिलिटी क्योंकि उन्होंने टाटा म्यूचुअल फ़ंड को वो पैसा वापस करना है और ये जितना पैसा आया वो आई एल एफ एस वाले घुमाएंगे वो कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे उन्होंने अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे पोर्ट्स हाईवे वो डेवलपमेंट के अंदर बड़े बड़े लोन दे दिए एंड दे वेर डूइंग वेल ये चल रहा था प्रॉब्लम क्यों आया प्रॉब्लम आने का एक कारण यह है कि ये जो पोर्ट और हाईवे बनाने के जो प्रोजेक्ट थे कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ कि लैंड एक्विजिशन जमीन का संपादन मतलब जो किसान है उसे जमीन लेकर फिर वहाँ पर वो बड़ा सा हाईवे बनाना हो वगैरह उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई कुछ किसान चले गए कोर्ट में वगैरह फिर कुछ पोर्ट्स बनाने थे बंदरगाह तो वहाँ पर एनवायरमेंट क्लियरेंस कुछ पर्यावरण वाले चले गए कोर्ट में ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह में किसी ये कोरल को डैमेज होगा वगैरह सो एज़ अ रिजल्ट वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर नहीं पाए वो प्रोजेक्ट डिले हो गए उसके चलते 270 बिलियन रुपीज़ के जितने लोन पेपर्स आईएलएफएस ने आगे घुमाए होंगे वो सब जंक एसेट्स बन गए मतलब वह प्रिंसिपल मुद्दा कुछ वापस आने के चांस चले गए सो दिस इज़ वन रीज़न सेकंड रीज़न कुछ स्कैम भी हुआ था कि आईएलएफएस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उन्होंने अपने ही जीजा साला जमाई को लोन में पैसा दे दिया जिनके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था बस ऐसे ही और कुछ भी खेल करने के लिए पैसे दे दी सो एज ए रिजल्ट अगर आई की ये जो एसेट्स हैं वो धीरे धीरे जंक कबाड़ी बन गई तो स्वाभाविक है वो अपनी लाइबिलिटी को ऑनर कर नहीं पाएगा मतलब उन्होंने ये जो कमर्शियल पेपर या बॉन्ड वगैरह है उस पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करना है टाटा म्यूचुअल फंड को वो इसको वापस कर नहीं पाएंगे एंड व्हेन दे कैन नॉट रिटर्न तो टाटा म्यूचुअल फंड वाले पब्लिक को अपना पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे सो दैट इज़ द एंटायर क्राइसिस तो इसके चलते आई तो कमजोर हुआ टाटा म्यूचुअल फंड और ऐसे बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जिस जिन लोगों ने इधर इन्वेस्ट किया होगा सब कमजोर हुए तो इसको हम बोलते हैं एनबीएफसी क्राइसिस तो यहां से मेंस पेपर थ्री में प्रश्न ये बनता है व्हाट आर व्हाई आर शैडो बैंक्स कंसीडर टू बी अ थ्रेट टू इंडियन इकोनॉमी प्रतिछाया बैंकों को भारतीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था के लिए क्यों खतरा माना जाता है डिस्क रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द अथॉरिटीज टू अड्रेस चैलेंज इस अनुसंधान में लिए गए सुधारों पर चर्चा करें तो हमारे पास एक नया टर्म आ गया शेडो बैंक अब ये क्या चीज है शेडो बैंक मतलब उसे इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसे डिफाइन किया है दे आर सर्टन कैटेगरीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कुछ ऐसे गैर बैंक वित्तीय संस्थान है विच कमांड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड परफॉर्म फंक्शक्न्स लाइक बैंक्स बहुत सारा पैसा उनके पास है और बैंकों जैसा ही काम करते हैं जैसे आई एल एफ एस का केस देखो जब इंफ्रास्ट्रक्चर के सब लोन दे रहा था बट दे आर नॉट फुल्ली अंडर आर बी आई रेगुलेशन क्योंकि ये बैंक तो है नहीं तो इनको सी आर आर एस एल आर प्रॉम्प्टेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो कल रात हमने पढ़ा था वो सब इनको लागू होता नहीं तो रैकलेस टाइप ऑफ लैंडिंग गैरजिम्मेदारा तरीका से गैरजिम्मेदाराना तरीके से लोन देना वगैरह वो कांड करते रहते दे एंडेंजर द इकोनॉमी जोखिम में डालते हैं इसलिए उनको शेडो बैंक कहा जाता है ये बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम करते हैं और जोखिम में डालते हैं प्रति छाया बैंक है अमेरिका में जो सब प्राइम क्राइसिस हुई थी टू थाउजेंड में कि जहाँ पर जिनकी लोन का पैसा वापस करने की औकात नहीं ऐसे लोगों को लोन में पैसा दे दिया था वो सब भी ऐसे प्रति छाया बैंकों ने किया था और भारत के अंदर भी आई एल एफ एस क्राइसिस वो असल में आई एल एफ एस खुद एक शेडो बैंक टाइप का ये काम कर रहा था एंड एज रिजल्ट द क्राइसिस सो एग्जाम्पल्स ऑफ शेडो बैंक नेटवर्क इन इंडिया इसका एक एग्जाम्पल तो हमने अभी देख लिया कौन ये आई एल एफ एस खुद जो कि एक एन बी एफ सी नॉन डिपोजिट टेकिंग डैस सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट है उसके अलावा दूसरे और एग्जाम्पल एच एफ सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे डी एच एफ एल डीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मित्रों ये डी एच एफ एल के अंदर भी स्कैम हुआ है बट वो इतना बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल है इसलिए हम पढ़ नहीं रहे तो हाउसिंग फाइनेंस क्या करता है आपको होम बनाने के लिए घर बनाने का लोन देता है तो वो भी एक प्रकार से बैंक का, का काम कर रहा है बट सी आर आर एस एल आर वो सबसे सो देआर ऑल्सो शेडो बैंक देन लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड मतलब क्या यू टी आई कोटक लार्सन टूब्रो टाटा म्यूचुअल फंड ये सब लोग कुछ ऐसी स्कीम चलाते हैं कि जहां पर क्लाइंट का पैसा वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे सरकारी होगा तो ट्रेजरी बिल बोलेंगे और प्राइवेट कंपनियों का होगा तो कमर्शियल पेपर बोलेंगे बेसिक आइडिया इज ये सब क्या होते हैं अप टू वन ईयर की मैचोरिटी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो आई एल के, के केस में हमने आगे देखा कि कैसे उन्होंने कमर्शियल पेपर इश्यू करे थे बट फिर ये टाटा म्यूचुअल फंड ने उसमें इन्वेस्ट किया और पूरा आ, सिस्टम को हुआ उनका सो दे आर ऑल्सो शेडो बैंक नेटवर्क थर्ड इज रिटेल एन रिटेल एन मतलब जो गोल्ड लोन वाले हैं ट्रैक्टर लोन कंपनियां हैं रिटेल मतलब एक एक व्यक्ति को जो लोन में पैसा देते हैं तो वो भी बैंक तो नहीं है बट बैंक जैसा कुछ काम कर रहे हैं so और उनके चलते भारत के वित्तीय क्षेत्र में फ्रेजिलिटी मतलब भंगूरता आ गई है बर्बादी आ गई है वाई डू दीज शेडो बैंक हाउ डू दे पोस्ट चैलेंजेस वो कैसे चुनौतियां को पैदा करते हैं तो अलग अलग प्लेयर के हिसाब से सोचो हाउस को इनसे क्या तकलीफ हुई जिन लोगों ने ये म्यूचुअल फंड टाटा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था और टाटा म्यूचुअल फंड पैसा वापस नहीं कर पा रहा तो वो सब हाउस होल्ड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द ऑप्टीमल रिटर्न अच्छा पैसा नहीं मिला ये जो एल है हमने आगे पढ़ा आई में उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर होल्डिंग है अब एल वाले ऐसी होशियारी मारते हैं कि हम लोग आई को रेस्क्यू करेंगे मतलब हम अपना पैसा और इसमें डालेंगे एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदेंगे और इसको बचाएंगे तो मतलब अगेन एल के जो ग्राहक होंगे उनका भी पैसा जैसे पहले आई बैंक में चला गया इधर भी लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है सो हाउस होल्ड इज डिप्राइव ऑफ ऑप्टिकल रिटर्न फिर पब्लिक को ये रखता है कि ये सब तो हमको बेवकूफ़ बनाते हैं एल आई सी भी म्यूचुअल फंड भी तो हम तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के नाम पर बैंक एन बी एफ सी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम खरीदेंगे गोल्ड हम खरीदेंगे रियल एस्टेट वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं बट वो हम लोग सेकंड पिलर में देखेंगे कि कैसे गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो वो ब्लैक मनी धन टैक्स इवेजन कर की चोरी वो सबको प्रोत्साहन देता है सो इन रियलिटी इज नॉट ग्रेटली हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमी सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी असर होता है आई के नाम पर ही लिखा था क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस तो अगर ये आई बंद हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हाईवे पोर्ट वो सब बनाने के लिए जितना पैसा मोबिलाइज होता था वो कम हो जाएगा सो डेवलपमेंट एक्टिविटी विल सफर फिर गवर्नमेंट ने अपने पॉकेट से मतलब टैक्स पेयर का पैसा और लाकर उससे हाईवे एयरपोर्ट वगैरह बनाने होंगे बट अभी कोरोना क्राइसिस में आप देख सकते हैं गरीबों को अनाज देने के उनको वादे पड़ रहे हैं तो ये सब डेवलपमेंट वर्क कैसे हो पाएगा तो इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि आईएलएफएस जैसी संस्थाएं भी हों जो कि खुद से प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सके ऐसा नहीं कि हर जगह गवर्नमेंट ही टैक्स पेयर का पैसा लेकर आए तो ही हमारा हाईवे और एयरपोर्ट बने सो दिस इज ऑल्सो नाउ बिकमिंग अ चैलेंज बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस थर्ड गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनौतियाँ क्या है हाउस होल्ड गोल्ड और रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करे और वहाँ उनको सब मौके मिल जाते हैं ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन के तो सरकार को इतनी टैक्स में इनकम कम मिलेगी तो सरकार गरीब कल्याण की योजना कम चला पाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने ज्यादा फंड अलॉट करने पड़ेंगे अपने बजट से तो वो भी करना मुश्किल है सो गवर्नमेंट ऑल्सो फेसिंग चैलेंजेस तो इस कारण से शेडो बीजर टू बी टू द इकोनॉमी अब इससे लड़ने के लिए मीन्स का प्रश्न का सेकंड पार्ट ये था व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द अथॉरिटीज तो अलग अलग करके आप देखिए कंपनीज एक्ट उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स उन्होंने कंपनी एक्ट के पावर को यूज करके ये जो आई एल एफ एस है उसके बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ पर सब मेंबर होंगे सरकार ने उनको हटा दिया जो प्रेजेंट मेंबर थे कि तुम तो अपने जीजा साला जमाई को लोन में पैसा देते हो उनको हटाकर उदय कोटक जो कि कोटक इंडस्ट्रीज के मालिक हैं उसको यहाँ पर बिठाया गया है और उनको बोला गया आप ये पूरा सिस्टम ठीक करिए अब ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने जब जब कुछ फाइनेंशियल स्कैम हुए हैं तो वो कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हटाकर किसी और इंडस्ट्री के बड़े आदमी को रखा है जैसे सत्यम कंप्यूटर के अंदर 2009 में स्कैम हुआ तो उसके मालिक रामालिंग राजू हा को हटाकर महिंद्रा इंडस्ट्रीज के आ, मालिक को बिठाया गया वगैरह क्योंकि कंपनीज एक्ट में कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को ऐसे पावर मिले सो दिस इज वन रिफॉर्म डन सेकंड रिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन ये कंपनीज एक्ट के अंदर ही कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एस एफ आई ओ है तो जैसे सी बी आई होता है एन आई ए है एस आई एस एफ आई ओ है जिसका काम है वाइट कॉलर क्राइम ये जो फाइनेंशियल सेक्टर के गंभीर धोखाधड़ी होती है उसको वो छानबीन कर रहे हैं सो दे आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस आई एल ऑफिस आई एल एंड एफ एस के ऑफिशियल्स की कितने जीजा सला जमाई को तुमने लोन दी थी सेकेंड इसी कंपनीज एक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के नीचे एक आती है स्टेचुटरी बॉडी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी उसका काम ये है कि सब चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर्स वो अलग अलग कंपनियों की सब जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें कुछ रिपोर्टिंग करना होता है उन्होंने ठीक से काम नहीं किया था वरना ये आई का स्कैम काफ़ी टाइम पहले हमको क्लियर देखने को मिल जाता तो गवर्नमेंट ने ये उनके ऊपर ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर के ऊपर नजर रखने के लिए निगरानी के लिए ये वाली स्टैचुटरी बॉडी बना दी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे पिलर वन सी सेबी शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर सो दीज आर ऑल्सो रिफॉर्म अंडर देन वॉट रेगुलेटरी साइड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एन कंपनियों के ऊपर एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट नॉम्स ई एल नॉम्स उसको और ज्यादा स्टिक किया ताकि वो जो आगे हमने देखा लाइबिलिटी और एसेट के अंदर जो पूरा फ्लो रुक गया था वो ना हो अभी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट नॉर्म्स क्या है वो कैसे काम करते हैं भाई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ एग्जाम बहुत खींच के वर्ड एसोसिएशन ये वाली चीज़ किसके लिए तो भाई एन के लिए वो एस नाम का फ्रेमवर्क किसके लिए था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए था ठीक है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क किसके लिए था कमर्शियल बैंक के लिए था प्रूडेंशियल वाला फ्रेमवर्क किसके लिए था वो सब बैड लोन्स के लिए था सो वर्ड एसोसिएशन जितना फिर और उसमें घुस मत जाओ व्हाट एल्स 2019 में डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य उसकी कमेटी बने और उसने सब इन्वेस्टिगेशन करके पाया कि आरबीआई जो रेगुलेशन और सुपरविजन करता है तो अपना खुद का क्लैरिकल स्टाफ ऑफिसर स्टाफ उन सबको ठीक से काम करना चाहिए सो वी हैव टू इम्प्रूव अवर ओन फंक्शनिंग हमारी खुद की संस्था की प्रशासनिक चीजों को बेहतर करना होगा उसके लिए उसने एक रोड मैप बनाकर दिया जिसको बोला गया उत्कर्ष अब वो कैसे काम करेगा टेक्निकल चीजें काम की नहीं हमें क्या याद रखना है आर खुद का ही जो सुपरविजन रेगुलेशन का जो काम करती है अपना स्टाफ उसकी ट्रेनिंग अपने सब ऑफिस मैनुअल उसको बेहतर करेगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर रोड मैप और स्ट्रैटेजी रिजर्व बैंक के काम करने के तरीकों को ज्यादा बेहतर और मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा बनाई गई जिसको हम बोलेंगे उत्कर्ष 2022। उसके बाद 2019 का बजट वहां पर सरकार ने कहा कि

सेबी का काम क्या है वो पिलर वन सी में देखें बेसिकली शेयर मार्केट वगैरह के ऊपर रेगुलेशन तो उन्होंने पाया कि आईएलएफएस वाले अपने जो भी बॉन्ड वगैरह इशू कर रहे थे तो उस वक्त कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे फिल्म को रिव्यू करते हैं हम लोग की पाँच मिर्ची और चार मिर्ची तो ताकि ऑडियंस को तो पता चले कि वो मूवी देखने जाने का नहीं है कि नहीं सिमिलरली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम होता है कि ऐसे सब बॉन्ड का वो रेटिंग करेगी सब वो ट्रिपल ए बॉन्ड तो मतलब बहुत सेफ़ है या डी कैटेगरी का बॉन्ड मतलब बहुत ही फालतू है और कोलैप्स हो जाएगा सो दे डिड नॉट डू द वर्क प्रॉपरली ऐसा से अभी नहीं पाया तो वहाँ पर भी डिफॉल्ट प्रबिलिटी ऑफ द बॉन्ड्स और वो आप बेहतर तरीके से करो वगैरह क्या क्या ये भी वर्ड कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते आप सीधा लिख सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को और सख्ती उसमें टाइटन द नॉम्स किए गए ये म्यूचुअल फंड वाले टाटा म्यूचुअल फंड ने क्या किया आईएलएफएस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और फिर वो सिस्टम को लेप्स हो गया

ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुझे लगता है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ नाइन्टीज़ के दशक में आप जानते हैं बहुत फेमस था और उसमें भी कार्ड आते थे जैसे ताश के पत्ते होते हैं सब अंडरटेकर का पत्ता वगैरह ऐसी भी चीज़ चलती थी पहले तो बच्चे खेलते थे ये इसके एट्स स्लैम्स और इतना फाइव हंड्रेड मुक्के मार सकता है और इतना वजन है वगैरह तो उसको देखते देखते कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने बोला कि ये सब एन कंपनियों का भी हम ये अंडरटेकर का जैसा स्कोर कार्ड है ऐसा हेल्थ स्कोर कार्ड या इंडेक्स बनाते हैं जहाँ पर ये स्कोर कार्ड में लिखा होगा प्लस हंड्रेड से लेके माइनस हंड्रेड तक का स्कोर कार्ड होगा और जो एन को कम स्कोर मिलता है उसका मतलब कि वो कोलेप्स होने वाली है वो ऑक्सीजन पे चल रही है तो वो स्कोर कार्ड को देख ही रेगुलेटर मतलब आर से भी वो एडवांस में कुछ एक्शन ले सके ऐसा पूरा ऑनलाइन सिस्टम हम लोग बनाए और ये स्कोर कार्ड में हम लोग उसके मार्क कैसे लिखेंगे जैसे अंडरटेकर को हम मार्क दे सकते हैं कि भाई उसने कितने फाइट जीते हैं उसके बाइसेप्स कितने हैं उसकी चेस्ट कितनी है उसने कितना जोर से मुक्का मारा सिमिलरली यहाँ पर स्कोर कार्ड कैसे बनाएंगे एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है कि नहीं एनबीएफसी में उसके बैलेंस शीट में कितना स्ट्रेंथ है कि नहीं ऑपरेशनल रिजिलियंस कितना है कि नहीं ये सब वर्ड का क्या मतलब होता है कुछ काम का नहीं बट यू कैन से कि यहाँ उसके एसेट लाइबिलिटी बैलेंस शीट वगैरह को देख एक स्कोर कार्ड बनाया जाए और उसकी मदद मतलब से रेगुलेशन एनालिसिस uh, करे ताकि रेगुलेटर एडवांस में सब प्रकॉशनरी मेजर्स आगमचेती के रूप में कुछ कदम उठा सके सो दैट इज द आइडिया मित्रों इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट आप पाएंगे यूजुअल इट इज़ 500 पेजेस लेकिन वो सब 500 हंड्रेड पेजिस कोई भगवान की गीता नहीं है कि हर पेज में बहुत ज्ञान दिया हो नो no. ये जो एट्थ चैप्टर है कि फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी इन द एनबीएफसी सेक्टर कुल मिलाकर उसने एक दो तीन चार करके जितने पत्ते भरे लगभग ट्वेंटी थ्री पेजेस और उसके अंदर नॉन एग्जाम ओरिएंटेड ये कांड कैसे हुआ उसमें ये वाला ये चीज़ फोर्टी फाइव डेज की थी और इधर से नाइन्टी डेज तक पैसा नहीं आया वगैरह बेफिजुल में टू मच गार्बेज इज गिवन टू प्रूव हिज इंटेलेक्चुअलिज्म जो असल में हमारे लिए काम करें जो काम की चीज थी वो सिर्फ एक थी क्या अंडरटेकर का हेल्थ कार्ड जो हमने देख लिया एंड लास्टली कंक्लूजन प्रश्न ये था कि शेडो बैंक वो इकोनॉमी को कैसे एंडेंजर करते हैं और उसके ऊपर सरकार ने क्या कदम उठाए वगैरह सो अल्टीमेटली इन द कंक्लूजन वॉट वी हैव टू से कि शेडो बैंक मतलब वो कोई आतंकवादी नहीं है कि उसको बैन कर दो नो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल एन बी एफ सी कंपनी जैसे कि इन्वेस्टमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी उनका काम क्या है दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द इन्वेस्टमेंट टूअ द कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक है वो क्लाइंट का पैसा लेते हैं शेयर बाजार में बॉन्ड मार्च सब इन्वेस्ट करते हैं सो दे आर प्लेंग इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास में मदद करते हैं एन बी एफ सी सच एज माइक्रो फाइनेंस कंपनी चीट फंडस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द फैमिलीज वो कैसे पिलर वन डी में देखेंगे तो मतलब वो गरीबों की मदद करते हैं तो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट भी है तो ये हम नहीं कह रहे कि एन बी एफ सी इज सम टाइप ऑफ टेररिस्ट और उसको बैन करना है नो बट द अनरेग्युलेटेड ग्रोथ ऑफ द शेडो बैंकिंग इट एंडेंजर्स बोथ द अबोव एरियाज इकोनॉमिक ग्रोथ को भी असर करता है इधर ह्यूमन डेवलपमेंट को भी असर करता है जो लोअर मिडल क्लास फैमिली एडवर्टाइजमेंट देख देख कर टाटा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे और पैसा सब रुक गया सो देन दे विल नॉट इन्वेस्ट अगेन एंड देन इट क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम्स हेंस नीड ऑफ द आवर इज टू एड्रेस दिस क्राइसिस ऑन प्रायरिटी बेसिस गवर्नमेंट आर बी आई सेव टेकन अप्रीशियेबल स्टेप वगैरह मतलब इसको युद्ध के तर्ज पर इसके सब हमने सोल्यूशन लाने होंगे और सरकार ने और आरबीआई और सेबी ने इसमें प्रशंसनीय कदम उठा रहे हैं और भविष्य में इससे हमको लाभ होगा अब कोर्स द हिंदू वाले तो अग्री नहीं करेंगे ऑलवेज से कुछ नहीं होगा बट वो हमने अपने जवाब में लिखने की जरूरत नहीं सो दैट इज वन पार्ट अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी देख लेते हैं अभी डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू रिवाइव एन बी एफ सी सेक्टर इन इंडिया इन दफ्टर मैथ ऑफ आई एल एफ एस एंड कोरोना क्राइसिस आई एल एफ एस और कोरोना संकट के बाद भारत में गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करें तो ये भी मिलता जुलता ही प्रश्न है लेकिन यहाँ पर थोड़ा जवाब दिखाने का तरीका अलग हो जाएगा की वर्ड क्या है रिवाइव द इकोनॉमी दिस एन बी एफ सी सेक्टर पुनर्जीवित करने के लिए आगे हमने जो देखा वो क्या था डंडा मारने के लिए क्या किया गया दो हाँ डंडा मारने के लिए आर बी आई का एसेड लाइबिलिटी फ्रेमवर्क है और एस एफ आईओ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर है वगैरह सो so दैट इज वन पार्ट यहाँ पर प्रश्न है पुनर्जीवित करने के लिए क्या तो उसके मुद्दे थोड़े अलग है अभी स्लाइड में देखते हैं इंट्रोडक्शन तो मोरऑल लेस सेम ही रहेगा क्या आप शुरुआत में लिखेंगे हाउ द आई एल एफ एस क्राइसिस स्टार्टेड और उसके चलते कैसे म्यूचुअल फंड कंपनियों में दिक्कत आई और वो पूरा रायता फैलने लगा सिमिलरली कोरोना क्राइसिस उससे प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर्स दे आर नॉट वेरी एंथ्यूजियास्टिक टू बाय द डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन वो पिलर वन ए टू में याद करो हमने कैसे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन में देखा था कि कैसे आरबीआई ने भी एक विंडो खोलना पड़ा कि बैंकों को बोला मैं आपको रेपो रेट के लोन पे पैसे देता हूँ और आप जाके इधर इन्वेस्ट करो बिकॉज इन्वेस्टर्स वे नॉट गिविंग मनी टू एन तो हाँ ये दो के चलते देर इसको रिवाइव करने के लिए क्या क्या कदम उठाए दैट इज नाउ द क्वेश्चन सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज वो क्या है कागज का टुकड़ा आपके हाथ में होगा आप किसी को आपको कोई कुछ पैसा देगा तो अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और लेस देन वन ईयर के लिए चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म के सिक्योरिटीज़ इशू करेगा डेट सिक्योरिटी में क्या ट्रेजरी बिल है कैश मैनेजमेंट बिल है गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए एक साल या ज़्यादा तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सौ इन बॉन्ड इशू करेगा दिस इज वन पार्ट कॉरपोरेट को या एन को पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो वो क्या इशू करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल पेपर प्रॉमिसरी नोट और लॉन्ग टर्म में चाहिए पैसा तो बॉन्ड या डिबेंचर इन सब के बारे में हम लोग पिलर वन सी में आराम से देखेंगे तो आई में भी हमने देखा मेनली उसने कमर्शियल पेपर और बॉन्ड इशू किए थे और फिर पूरा स्कैम होगा सेकंड कंसेप्ट इज फाइनेंशियल मार्केट्स आपने गाड़ी पहली बार मारुति के शोरूम से खरीदी तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और फिर आप उसको आप अपनी गाड़ी सेकंड हैंड गाड़ी किसी को सेल करने गए तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट या जैसे शेयर्स बेचने गए तो शेयर बाजार ऐसा बॉन्ड का भी सेकेंडरी मार्केट हो सकता है सो डिपेंडिंग ऑन द फ्रेशनेस फ्रेश सिक्योरिटी शेयर बॉन्ड इशू है तो बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और उसको सेकंड टाइम रीसेल हुआ तो हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट सो दिस इज वन पार्ट अभी म्यूचुअल फंड जैसे टाटा म्यूचुअल फंड और दूसरे इन्वेस्टर जिन्होंने किए शेडो बैंक शेडो बैंक में कौन से आई एल एफ एस डी एच एफ एल होम लोन कंपनी वगैरह शेडो बैंक वो लोग अपनी डेट सिक्योरिटी इशू करेंगे राइट शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल पेपर लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड इशू करेंगे और फिर ये म्यूचुअल फंड और दूसरे इन्वेस्टर इधर अपना पैसा पार्क करेंगे और वो सारा पैसा आई एल एफ एस के पास आया वो लोग क्या करेंगे वहां से लॉन्ग टर्म के लिए कॉर्पोरेट्स को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लोन देंगे कि फैक्ट्री बनाओ हाईवे बनाओ एयरपोर्ट बनाओ टाउनशिप बनाओ तो रिलायंस टाटा अदाणी सबको पैसा जाएगा सो दैट वॉज हैपनिंग प्रॉब्लम इधर आई ये आई ने यहाँ पर जो कमर्शियल पेपर इशू करे थे और वहां पर उन्होंने जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करना था आई एल एफ एस वॉज नॉट ऑनरिंग द अग्रीमेंट वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट दे नहीं रहा था अब ऐसी परिस्थिति में समझो कि टाटा म्यूचुअल फंड के पास आई एल एफ एस का ऐसा कोई बॉन्ड या कमर्शियल पेपर है और वो थर्ड पार्टी को सेल करने जाए सपोज मृणाल पटेल को सेल करने जाए देन आई एम नॉट गोइंग टू बाईट राइट क्योंकि मुझे पता ये लोग तो दे नहीं रहे सो इवन थर्ड पार्टी इज विलिंग नॉट विलिंग टू बाई दिस डेट सिक्योरिटीज तो टाटा म्यूचुअल फंड की प्रॉब्लम यह है कि वो थूक भी नहीं सकता और निगल भी नहीं सकता ये बॉन्ड का मैं क्या करूं सो दिस इज द प्रॉब्लम आत्मनिर्भर भारत के नाम पर सरकार ने कहा कि एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी जैसे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खास तरलता या विशेष तरलता योजना लेकर आते ये चीज क्या है यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो तो बैंक है बट उसके पास इंश्योरेंस कंपनी अलग से लाइसेंस है म्यूचुअल फंड का अलग से लाइसेंस है उसी प्रकार एक एस कैपिटल जो कि एन है जी उसका काम बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना तो ऐसी उनकी एक अलग से लाइसेंस है एन का तो ये एस कैपिटल कंपनी वो भी एक अलग से स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी बनाएगी यानी एस गाड़ी में लेके घूमेंगे नहीं एस का बेसिक आइडिया कि वो कोई खास उद्देश्य से बनाई गई है जैसे कि हम ये वाला पूरा सिटी स्मार्ट सिटी में चलाएंगे उसके लिए खास उद्देश्य से कंपनी बनाई है या हम लोग ये जीएसटी का कलेक्शन का ऑनलाइन पोर्टल चलाएंगे उसके लिए खास उद्देश्य से हमने बनाई है सो जस्ट लाइक दैट ये क्या है खास उद्देश्य से बनाई गई है इसके ऊपर रेगुलेटर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ये स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी ने ये बोला कि बाज़ार से हम लोग थर्टी करोड़ रुपीज़ के डेट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे और वो हम लोग प्राइमरी मार्केट से भी खरीदेंगे प्राइमरी मार्केट मतलब पेटी टी पैक काराटा शो आप मारुति शोरूम से खरीदो ऐसा मतलब भविष्य में आई एल एफ एस या डी एच एफ एल या ऐसे किसी ने फ्रेश सिक्योरिटी इशू करी और शॉर्ट टर्म वाली मतलब कौन सी कमर्शियल पेपर तो हम उसको खरीदेंगे यानी एक तो सीधा इनको पैसा मिल जाएगा तो इनको जो भी अभी क्राइसिस आ रही है कि बिजनेस मंदा चल रहा है थोड़ा पैसा मिल जाए वी विल ऑल्सो बाय द सिक्योरिटीज फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट मतलब यूज्ड मारुति कार बेचने जा रहे हैं वहां पर जैसे कि ये टाटा म्यूचुअल फंड के पास मैंने आपको बताइए आई एल वगैरह के जो भी बॉन्ड कमर्शियल पेपर होंगे वो पहले तो गए कि मृणाल पटेल को बेचे बट मैंने तो मना कर दिया कि ये लोग पैसा देने वाले नहीं बट नाओ ये एस कैपिटल क्या कह रहे हैं कोई बात नहीं मैं आपसे खरीद लूंगा तो इससे फायदा क्या है सेकेंडरी मार्केट में भी उसने ये चीज़ खरीद ली तो ये जो मतलब ऐसे जो बॉन्ड कमर्शियल पेपर जिसकी तरलता चली गई थी जिसको कोई खरीद नहीं रहा था अब खरीद रहा है तो पैसे उस तरफ आने लगे तो तरलता बढ़ गई और टाटा म्यूचुअल फंड को भी मजा आ गया कि चलो हाय थोड़ा मुझको पैसा मिल गया तो मैं भी अपने जो मिडिल क्लास फैमिली थे जो मुझसे पैसा मांग रहे थे मैं उसको कुछ पैसा दे पाऊंगा सो दिस इज डन सो दिस सिक्योरिटीज इज देयर आई एल एफ एस वगैरह और ये टाटा म्यूचुअल फंड वाला वो सब एस बी आई कैब को बेचेगा तो बाजार में पैसों की उस तरफ ज्यादा जाएगा लिक्विडिटी बढ़ गया NBFC they can revive दे कैन रिवाइव can ऑपरेशन दे कैन other ऑफ दस्टर ये सब आप समझ सकते हैं तो ये फायदा हुआ दूसरा ये आई एल एफ एल उन लोगों ने टाटा म्यूचुअल फंड को जो माल बेचा था बट उस पर वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो दे नहीं रहे थे कि हमारा धंधा बंद है अब यही वाला माल टाटा म्यूचुअल फंड ने ये एस बी आई कैपिटल को बेच दिया राइट तो तीस हजार करोड़ का कुल मिलाकर ऐसा माल खरीदा गया है जो कि जहां पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट तो वापस आ नहीं रहा है क्योंकि असल में जिम्मेदारी किसकी है प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे करने की ये डी एच एफ एल आई एल एफ एस अल्टीमेटली देव टू पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू एस बी आई का ये जो एस बी आई कैपिटल स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी सो सपोज दे आर नॉट पेइंग द मनी वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दे रहे हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो इसके लॉसेस को कवर करेगा लॉसेस किसके होंगे एस के तो उसको कवर कौन करेगा सरकार करेगी उसका फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज तो एक प्रकार से सरकार ने क्या किया है गारंटी दी है एस बी आई की स्पेशल पर्पज़ व्हीकल कंपनी को कि आप ये वाला सब कचरा माल खरीद लो उस पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं हम आपको बाद में वो दिलवा देंगे अपने पॉकेट से मतलब टैक्स पेयर के पैसों से so that is the स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर nbfc and housing finance एंड हाउसिंग फाइनेंस puri मित्रों ये पूरी चीज के अंदर मैक्सिमम यूटिलिटी क्या है एक वन वर्ड एसोसिएशन का है एम सी वो वो तो हाँ एस कैपिटल ने ये बनाया और वो सब ये शॉर्ट टर्म वाले डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदेगी और थोड़ा बाजार के अंदर इधर ये सब बिक जाएंगे तो टाटा म्यूचुअल फंड के पास थोड़ा लिक्विडिटी में पैसा आ गया आई वगैरह के पास थोड़ा लिक्विडी में पैसा आ गया और वो अपना काम करे दैट इज स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम और एस के नुकसान की भरपाई कौन करेगा तो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके नीचे का यह डिपार्टमेंट यानी कि ये वन वर्ड एसोसिएशन का एम है मीनस में भी पूछा जाए तो अलग से ही योजना के रूप में पूछा जाए ऐसा ये कोई मनरेगा स्कीम नहीं या सर्व शिक्षा अभियान नहीं की पूछा जाएगा मीनस में भी किसी दूसरे पॉइंट में आपने इसको लिखना है कि हाँ ये एक लाइन में ऐसा किया गया तो समझ में आ गया तो ठीक है नहीं आया तो रट्टा मारो जिंदाबाद पेज वन पर दिया है वो कैसे काम करेंगे दिस दिस दिस

तो आई एल एफ एस सपोज बाज़ार में बॉन्ड इशू करे और वो बोले कि मैं ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट देता हूँ तो कोई इन्वेस्टर खरीदेगा भाई ऐसा तो कोई बेवकूफ़ इन्वेस्टर है नहीं कि हमको बेवकूफ़ समझाए तुम्हारी कंपनी में रिस्क कितना ज़्यादा है डिफॉल्ट हो जाएगा तो हम ट्वेल्व परसेंट हैं हमको तो एटीन परसेंट चाहिए वरना हम ये चीज़ नहीं खरीदेंगे तो आई एल एफ एस एक तो ऐसे भी धंधा मंदा है और, और ये बोलेंगे एटीन परसेंट ब्याज दो तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे डिफिकल्ट सो वट टू डू 2019 बजट में निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम लोग एक क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन यानी सीजीईसी नाम की संस्था बनाएंगे और वो क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन का काम क्या है आईएलएफ वाले उसको फीस देंगे और फीस के बदले में ये क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन वो बड़ा भाई बनकर क्रेडिट गारंटी देगा किसको ये इन्वेस्टर को कि अगर आई एल एफ एस आपका पैसा वापस नहीं करता जो भी बॉन्ड का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है तो हम यानी क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कारपोरेशन आपका पैसा वापस करेंगे दैट टाइप ऑफ दे विल गिव द गारंटी तो अब फायदा क्या है ये इन्वेस्टर का अब रिस्क कम हो गया कि हाँ कोई नहीं ये वापस नहीं करेगा तो ये सरकार का जो संस्था है वो मेरा पैसा वापस करेगी तो यानी अब वो जिद नहीं करेगा कि नहीं मुझे 18 परसेंट दो अब वो सस्ते में मान जाएगा ठीक है 12 परसेंट में मैं आपको पैसा देने को तैयार हूँ सो so, ये तो मतलब पहले से 2019 के बजट में बोला ही था कि ऐसी संस्था बनाएंगे अब ये आत्मनिर्भर भारत अभियान वहां पर क्या किया गया बस वापस उसको दोहराया गया कि हाँ ये जो हमने 2019 बजट में बोला था वो चीज हम लोग करेंगे तो ऐसा मारपीट के जो 20 लाख करोड़ का आंकड़ा दिखाना था तो मारपीट के ऐसी सब चीजें हाँ, पहले वाली करेंगे ये भी एक मतलब की इनिशिएटिव हो गया इधर भी दोस्तों मॉरल आउटरीच इज नॉट रिक्वायर्ड ऐसा क्यों है कि एक तरफ तो आप स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के नाम पर शॉर्ट टर्म में ये एस का आपने अलग से कंपनी बनवाया और फिर आप इधर बोल रहे हैं कि क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन ये लॉन्ग टर्म में कुछ करने वाले हैं और यहाँ पर एल वगैरह थोड़ा थोड़ा पैसा देकर ये क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन बनाए कि ऐसा न्यूज़ में भी कुछ बात चलती है सो अगेन द सेम क्वेश्चन ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनानी है हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन दोनों को मर्ज करके ये क्यों नहीं कर देना भाई पहली बात गवर्नमेंट को मीडिया में ऑपोजिशन पार्टी में दिखाने के लिए कुछ तमाशा करने करना पड़ता है कि एक काम किया दो काम किया ऐसे दस काम किया ऐसा लिस्ट बना के दो कि हाँ हमने इतना सारा काम किया आपको लगता है ये सब गलत है और सब एक में ही मर्ज होना चाहिए तो भाई आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को सजेशन भेजो नहीं होता तब तक याद करो एंड सेकेंडली सपोज मैं आपको पढ़ा रहा था पढ़ा रहा हूँ भविष्य में डायरेक्ट टैक्स वर्सेज इनडायरेक्ट टैक्स तो वो ऐसा टॉपिक है कि वहाँ पर हमने हाँ कि वो एक दूसरे से कैसे अलग है पूरा कॉलम एक कॉलम दूसरा कॉलम पढ़ के पढ़ेंगे ये कोई इतना बड़ा तोप जैसा टॉपिक नहीं है कि इसमें हाउ डिफरेंट फ्रॉम दिस उसकी एक घंटे की क्लास लेनी पड़े तो थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो दैट इज डन अभी हम लोग एक पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये टॉपिक कंटिन्यूएशन में ही है कि पुनर्जीवित करने के लिए और क्या क्या किया गया वो भी हम देखेंगे बट अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स ये सो बिफोर गोइंग टू द ब्रेक प्रॉब्लम ये था कि एनबीएफसी को रिवाइव करने के लिए क्या कदम उठाए गए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जहाँ पर ये एसबीआई की एक स्पेशल खास किस्म की कंपनी बनाई गई है वो कैसे काम करती है मेस में वो भी लिखने की जरूरत नहीं सिंपली यू कैन मैंशन स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एन क्योंकि वो एक एक लाइन करेंगे तो भी आपके तुरंत जवाब की लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाए सिमिलरली और क्या कि क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी एनहांसमेंट कारपोरेशन बनाने की बात हुई वो भी कैसा काम करेगा लिखने की जरूरत नहीं एक लाइन में टर्म लिख दिया धीरे धीरे मुद्दे बनाओगे तो टू फिफ्टी से ऐसे ही फिलअप हो जाएंगे अब ऐसा एक तीसरा और काम किया गया टू बजट में बोला पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम उसमें आइडिया ये था कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सब क्या है सरकारी बैंक तो उन्होंने आई और दूसरे एन को लोन में पैसा दिया होगा और ये सब एन बी एफ सी आप जानते हैं आप लोन का पैसा वापस नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट ने यह कहा कि ऐसी परिस्थिति में ये बैंक ऑफ बड़ोडा या एस बी आई का जितना नुकसान हुआ उसके टेन परसेंट नुकसान की भरपाई सरकार अपने पॉकेट से करेगी सो टू थाउजेंड नाइन्टीन बजट अनाउंस पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम कितना टेन परसेंट नुकसान की भरपाई इसलिए उसको बोला पार्शियल क्रेडिट गारंटी फुल क्रेडिट गारंटी नहीं बोला बट हाँ इसको मतलब टू थाउजेंड में इशू किया हम वन पॉइंट जीरो उसके बाद आता है कोरोना क्राइसिस उसके बाद आता है आत्मनिर्भर भारत तो आत्मनिर्भर भारत में मोदी सरकार ने यह कहा कि ये वाली योजना का हम लोग वर्जन टू पॉइंट जीरो निकालते हैं और वहां पर ट्वेंटी परसेंट गारंटी गिवन मतलब ये बैंकों को बोला गया आप मतलब कॉन्फिडेंटली इन सबको आई एल एफ डी एच एफ एल टाइप के लोगों को लोन में पैसा दो आपका जो नुकसान होगा अगर नुकसान होगा तो उसके ट्वेंटी परसेंट की भरपाई सरकार खुद करेगी सो दैट इज गिवन नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन तो पहले वो एस का एस पी बना है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल कंपनी तो अलग से ये करने की क्या जरूरत है वो सब एक में ही तो कर सकते थे लेकिन अलग अलग करेंगे कि एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल कंपनी बने दूसरा क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन बनाएंगे तीसरा ये पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम तो क्या हुआ तीन चीज़ हुई तो मतलब गिना सकते हैं ऐसे ऐसे तो वो जब उनके संबित पात्रा आज तक पर कुछ बात करें या ऑपोजिशन पार्टी या मीडिया को दिखा रहा सो दे कैन शो मोर थिंग्स और ऐसा मारपीट के फिर बीस लाख करोड़ का पैकेज भी तो बनाए आत्मनिर्भर भारत का सो दे डू थिंग्स लाइक दैट उसमें हाउ दे आर इंटरनली डिफरेंट वो सब में जाने की जरूरत नहीं है कोई बहुत बड़ी योजनाए नहीं है वन वर्ड एसोसिएशन होने चाहिए ये किसके लिए है? सब ऐसी एनबीएफसी कंपनियों के वॉट एल्स सपोज मुकेश अंबानी उसको भी बाजार में पैसा अगर बोरो करना है वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिबेंचर वो असल में बॉन्ड शब्द का सिनोनिम ही है सो so बॉन्ड या डिबेंचर जो भी इशू कर रहे हैं इन्वेस्टर उसको पैसा देगा अब ये जो कंपनीज एक्ट है जिसके बारे में हम लोग पिलर वन सी में देखेंगे वहाँ पर एक प्रोविजन है कि जब भी कोई कंपनी अपने ऐसे बॉन्ड या डिबेंचर इशू कर रही है तो ये कंपनी ने एक डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व यानी डी नाम का एक फंड बनाना होगा और फिर ये कंपनी को जो जो प्रॉफिट हो रहा है उसका सर्टन परसेंटेज ये वाले फंड में डालते रहना होगा तो मान लीजिए हर साल प्रॉफिट हो रहा है उसका सपोज टू परसेंट टू परसेंट टू परसेंट टू परसेंट ऐसा करके आठ करोड़ रुपए इसमें डल गए और फिर आगे चल के ये इन्वेस्टर को जब आपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो वापस करना है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ पर भी जाता रहेगा दैट इट हेल्प्स जैसे सी आर आर एस एल आर जैसा ये भी एक टाइप का बफर कुछ है आप विजुलाइज़ कर सकते हैं तो ये पहले कंपलसरी था कि जब भी आप बॉन्ड डिबेंचर कुछ इशू कर रहे हैं आपने ऐसा फंड बनाना पड़ेगा आई एल एफ एस कंपनी का प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमारा तो प्रॉफिट है ही नहीं कि हम ऐसा कोई फंड के अंदर कुछ पैसा डाल सके सो वी कैनॉट डू दिस इसलिए टू थाउजेंड नाइनटीन बजट में बोला गया कि ठीक है भाई आप इतने निकम्मे हैं तो हम आपको माफ़ी दे देते हैं वी आर गिविंग यू एग्जाम्पन कि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या जो लिस्टेड फॉर्म है लिस्टेड मतलब ये जैसे दलाल स्ट्रीट और वहाँ पर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पर जिन कंपनियों के शेयर्स लिस्ट हुए हैं मतलब आप सड़क पे खड़े रहो और वो जो उसका टिकर बैनर चलता है कि रिलायंस का ये भाव चला है पतंजलि का ये भाव ऐसा कुछ अगर हो दैट इज कॉल्ड लिस्टेड फॉर्म्स तो वो सब लिस्टेड फॉर्म्स जैसे ये रिलायंस टाटा वगैरह एंड दिस एंड जैसे आई उनको बोला गया कि आपने ऐसा डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व नाम का ये फंड अब से मेनटेन नहीं करना होगा तो आपका प्रॉफिट ही नहीं तो आप क्या करोगे आप थोड़ा थोड़ा करके अपना बिजनेस करो सो दैट इज ऑल्सो रिफॉर्म टेकन अब दूसरे कुछ मिसेलेनियस रिफॉर्म्स एल जो कि आई में उसकी करीब 25 परसेंट शेयर होल्डिंग है तो एल ने कहा है कि वी विल नॉट अ अलाव आई एल एफ एस टू कोलैप्स या दूसरे शब्दों में कि पॉलिसी होल्डर का सारा पैसा हम लेकर भी ये आई डी बी आई बैंक जो नुकसान वाली थी उसको बचाया है ऐसा हम लोग आई एल एफ एस को भी बचाएंगे सेकेंड ये आई एल एफ एस चाहता है कि मुझे और लोन में पैसा मिले ताकि मैं सब रिवाइव कर सकूँ लेकिन बैंक वाले कुछ उसको लोन में पैसा देने के लिए दे आर रिलकटेंट उत्साहित नहीं है तो आर ने सिक्योरिटाइजेशन नॉर्म्स को रिलैक्स किया अब ये सिक्योरिटाइजेशन मतलब क्या सिक्योरिटीज़ आप समझते हैं शेयर बॉन्ड वगैरह तो ऐसी अगर आपके पास कोई पुराने लोन पेपर्स हैं उसकी मदद से आप नए सिक्योरिटीज़ और उसमें बॉन्ड्स जनरेट करें उस प्रक्रिया को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन वो भी कैसे काम करता है वो कुछ काम का नहीं मैक्सिमम चीज के हो सिक्योरिटाइजेशन क्या पुराने लोन पेपर के नाम पे नए उसको यूज़ करके नए बॉन्ड्स जनरेट करने की पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया वो सब करके मतलब आर उनको थोड़ी मदद कर रही गवर्नमेंट की ये इच्छा थी कि आर ये सब एन की तरफ लिक्विडिटी या मनी सप्लाई बढ़ाए और उसके लिए गवर्नमेंट ऐसा सोती ओपन मार्केट ऑपरेशन टाइप का कुछ खेल करो लेकिन उर्जित पटेल उसके ज़माने में कर नहीं रहा था शक्ति दास आए तो उन्होंने अलग तरीके से किया पिलर वन ए टू में याद करो मॉनेटरी पॉलिसी में टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन जहां पर बैंक को पैसा देते हैं और बोला गया उसका इतना परसेंटेज आपने एन और उस सबके बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करो फिर स्पेशल लिक्विडिटी विंडो फॉर हेल्पिंग म्यूचुअल फंड की बैंक वालों को लोन में पैसा देंगे और वो पैसा म्यूचुअल फंड को जाएगा तो ये सबसे क्या हो रहा है लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई टूवर्ड्स द एन सेक्टर इज इंक्रीजिंग तो वो हमें रिवाइवल में पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है। फिर टू थाउजेंड बजट में बोला कि हम लोग वो ट्राई पार्टी रेपो रेट सिस्टम को एनकरेज करेंगे ताकि बॉन्ड मार्केट खुद से ही मजबूत हो जाए और ये लोग वहाँ से पैसा ले सके जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमारे पास मोर देन सफिशेंट वर्ड आ गए टू फिफ्टी वर्ड्स फिलअप करने के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी लिखने या समझने गए तो अपना टाइम और स्पेस चली जाएगी ये सब लोग तो पूरा दिन मतलब कॉमेंट्री मारते रहते हैं हमारे लिए वो सब बहुत काम का नहीं जो काम का था हमने देख लिया अल्टीमेटली कंक्लूजन कंक्लूजन में वही बात जो आगे बड़ी थी वही कि ये कोई आतंकवादी है कि इसको बैन कर देना है नहीं दे आर रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमी तो उनको रिवाइव करना जरूरी है एन बी एफ सी सचेज इन्वेस्टमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स कॉरपोरेट सेक्टर तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम के एन बी एफ सी सचेज माइक्रो फाइनेंस कंपनी चिट फंडस दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द पुअर फैमिलीज तो ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास में महत्व है जहाँ तक कि आई एल एफ एस और कोरोना क्राइसिस के चलते NBFC सेक्टर में जो कमजोरी आ गई हैं, दे है वीकेंड दी सब ओ कैपेसिटी बट आरबीआई एंड गवर्नमेंट हैज टेकन ए प्रिसिएबल स्टेप्स टू रिवाइव देम या फिर कि जो कदम उठाए उससे आने वाले समय में इनको लाभ होगा ऐसा पॉजिटिव आप कंक्लूजन लिख सकते हैं तो नेगेटिव न्यूज़ के नाम पर हमने देखा यस बैंक में क्राइसिस हुई आईएलएफएस शैडो बैंकिंग क्राइसिस ऐसा एक और नेगेटिव न्यूज़ चलता है थॉमस कुक थॉमस कुक इंग्लैंड की एक ट्रैवल रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है 1841 में कभी बनी थी यार हमारे लिए काम का नहीं ट्रैवल फाइनेंस मतलब क्या करते होंगे इंटरनेशनल ट्रैवल आप जब कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होगा विदेशी मुद्रा तो रुपये का पाउंड में डॉलर में कन्वर्ट करके देंगे आपको चाहिए होगा कि मुझे ट्रैवल या लगेज चोरी नहीं हो जाए उसका इंश्योरेंस करके दो तो इंश्योरेंस करवा देंगे टिकट बुकिंग होटल बुकिंग टूर पैकेज मतलब पाँच दिन छः रात्रि का ये टूर पैकेज वगैरह जो चलाते हैं सो ऑल द टाइप ऑफ फैसिलिटी वे प्रोवाइडेड लेकिन ये एयर बी एन बी ट्रिवागो मेक माई ट्रिप ऐसे बहुत सारे आई बी बो ये सब के चलते ऐसे ऐप वेबसाइट से पब्लिक खुद से ही ये सब काम कर लेती है कि एयरप्लेन की टिकट बुक कर ली होटल अकोमोडेशन ले लिया तो ये थॉमस कुक का बिजनेस खास चलता नहीं था सो इन टू थाउजेंड नाइनटीन थॉमस कुक अपने लोन्स रीपे कर नहीं पाया और वो लैंडर्स के साथ कुछ रेजोल्यूशन प्लान बना रहा था कि मेरा इंटरेस्ट परसेंटेज कम करो लोन का पीरियड बढ़ा दो बट कुछ हुआ नहीं इंग्लैंड गवर्नमेंट को उन्होंने फरियाद करी कि हमें आप बचा लीजिए टैक्स पेयर का पैसा देकर हमें बेल आउट करिए सरकार ने किया नहीं सो लास्टली सोल्यूशन क्या होगा ये कंपनी को बंद करके इसका लिक्विडेशन यानी नीलामी हो गई यूपीएससी की कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम में 2020 में पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंपनी अभी उस उन्होंने बैंक फाइल करी है या जो कि दिवालिया हो गई और बंद हो रही है तो जवाब क्या हुआ जो ऑप्शन थे उस हिसाब से बनता था थॉमस कुक तो हमने देख लिया तो यानी हम लोगों ने ये पेज 108 तक सारी चीजें देख ली नेगेटिव न्यूज में यस बैंक देख लिया आई एल बैंक देख लिया फिर ये पीएमसी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वो तो हमने आगे पिलर वन बी वन के अंदर क्लासिफिकेशन कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस में देख लिया तो यानी नेगेटिव न्यूज में आखिरी कांड बचता है कि पंजाब नेशनल बैंक ये नीरव मोदी वाला ये भी बहुत आसान है नीरव मोदी उसको साउथ अमेरिका केन्या, या हांगकॉन्ग या कहीं से जाकर डायमंड खरीदने हैं और वो सब फॉरेन कंट्रीज है तो वो फॉरेन करेंसी में पैसा मांगे डॉलर दो हांगकॉन्ग का जो भी करेंसी उसमें पैसा दो सो नीरव मोदी उसको फॉरेन करेंसी में पैसा बोरो करना है टू परचेज डायमंड्स अब वो जाएगा मान लीजिए अमेरिका के अंदर या हॉन्ग में या साउथ अफ्रीका के अंदर और वहाँ पर सिटी बैंक की ब्रांच में वो बोले कि मेरा लोन पास कर दो तो सिटी बैंक उसको लोन नहीं देगा क्योंकि सिटी बैंक ये कहेगा कि वी डोंट नो यू तो हाउ कैन वी गिव यू लोन आपकी कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री और इंडिया में क्या काम है हम कैसे पता करें सो दिस पीपल डू नॉट नो मी दे विल नॉट गिव मी लोन्स तो कोई मेरी क्रेडिट गारंटी का सर्टिफिकेट दे दे वो सर्टिफिकेट देने की जो प्रक्रिया है तो पंजाब नेशनल बैंक बोलेगा भाई नीरव मोदी डोंट वरी आप मुझे थोड़ा कमीशन या फीस दे दो और मैं आपको एक लेटर बना के देता हूँ वो लेटर में ऐसा लिखा होगा कि नीरव मोदी इज़ माई क्लाइंट उसको आप एक लाख डॉलर का लोन दे दो अगर वो लोन नहीं देगा तो उसकी जगह पर पंजाब नेशनल बैंक सिटी बैंक का लोन रिपे करेगा तो एक प्रकार से क्या हुआ गारंटी दे दी बड़ा भाई बन गया पंजाब नेशनल बैंक तो ये जो लेटर बनाया गया उसको बोलते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कुछ जगह पर होता है लेटर ऑफ क्रेडिट कुछ जगह पर होता है लेटर ऑफ कंफर्ट कुछ जगह पर होता है बैंक गारंटीज ये सब का इंटरनल डिफरेंस क्या है वो बीकॉम के लिए काम का है अपने लिए काम का नहीं हमारे लिए तो समझना ये क्या है नीरव मोदी के तरफ से ये आदमी को एक सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जिस पर पीएनबी को कमीशन या फीस मिलती थी एंड देन सिटी बैंक वाले अब तो वो आश्वस्त हो गए कि पंजाब नेशनल बैंक वो तो इसका ये आईएफएससी कोड है ये यहाँ पर ब्रांच है सो विल रिकवर द मनी और वो नीरव मोदी को डॉलर में पैसा दे देंगे सो पंजाब नेशनल बैंक उसने ऐसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करे कि एक लाख डॉलर मेरे क्लाइंट को नाइन्टी डेज के लिए आप दे दीजिए वो वापस नहीं करेगा तो हम करेंगे और हांगकांग के अंदर अलग अलग बैंकों को ऐसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिए गए अब प्रश्न होता है हांगकांग में क्यों दिए होंगे क्योंकि डायमंड तो आप जानते हैं कि डायमंड तो मतलब कि वो तो अफ्रीका में बनते हैं बट वहाँ से वो सब बनकर जाते हैं हांगकांग में और वहाँ पर वो थोक बाजार की तरह उसको बेचा जाता है तो हांगकांग के अंदर से ये नीरव मोदी को डायमंड खरीदने और हांगकांग में भी भारतीय बैंकों के ब्रांच है जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलाहाबाद बैंक एक्सिस बैंक लेकिन वो हांगकॉन्ग के अंदर डॉलर के लोन देते हैं तो उसके ब्याज दर बहुत सस्ते होते हैं कंपेयर टू कि आप भारत से पैसा बोरो करो उसको डॉलर में कन्वर्ट करो और फिर लेके जाओ तो महंगा पड़ेगा सो एज अ रिजल्ट नीरव मोदी का केस ये था कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेके हांगकॉन्ग में जाएगा हांगकॉन्ग में ये सब बैंकों से सस्ते में वो डॉलर का पैसा बॉरो करता था और फिर ये सब डॉलर के पैसे सामने वाला लैंडर बैंक पंजाब नेशनल बैंक के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता था जिसको बोला जाता है नोस्ट्रो अकाउंट नोस्ट्रो मतलब वो लेटिन शब्द है जिसका मतलब है हमारा अकाउंट मतलब ये जितने हांगकॉन्ग के बैंक थे वो पंजाब नेशनल बैंक को डॉलर्स देंगे उसके अकाउंट में और पंजाब नेशनल बैंक वाला फिर उधर से नीरव मोदी को पैसा एक्सेस करने को देगा सो लाइक दैट द सिस्टम वॉज गोइंग ऑन यहां पर स्कैम क्यों हुआ क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जब नीरव मोदी से ये सब उसके लिए लेटर जनरेट कर रहा है तो पंजाब नेशनल बैंक ने उसको कुछ गिरवे को रखवाना चाहिए था कुछ सिक्योरिटी कि आपके इतने डायमंड सेट या आपकी इतनी दुकान गिरवे रखो कुछ डिपोजिट रखो बट ऐसा कुछ नहीं किया और पंजाब नेशनल बैंक का एक करप्ट मैनेजर था मुंबई में वो ऐसे ही कॉम्प्यूटर पर दे धनादन लेटर जनरेट करके देता था ऐसा करते करते नीरव मोदी मेहुल चौकसी ने बारह हज़ार करोड़ के लेटर जनरेट करवा दिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और फिर एक दिन जब पूरा पैसा वापस करना था तो वो भारत छोड़ के भाग गए सो दैट इज द पंजाब नेशनल बैंक स्कैम ये स्कैम क्यों हो पाया हमने तो आगे पढ़ा था पंजाब नेशनल बैंक और सभी बैंकों के अंदर कोर बैंकिंग सोलूशन ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से वो पूरा मॉनिटरिंग करते हैं कि वहाँ से हम लोग ये आर का नेफ्ट आर सिस्टम में पैसा ट्रांसफर करते हैं या फिर उसके साथ हम लोग एनपीसीआई को कनेक्ट करके यू बीम वाले पेमेंट या नेशनल फाइनेंशियल स्विच उसकी मदद मतलब से एटीएम कार्ड आ, के सब चीज़ों को कुछ देख सकते हैं या फिर पेमेंट गेटवे जहां पर ये रुपए वीजा कार्ड उसके सब पेमेंट हम देख सकते हैं सो एवरीथिंग वाज कनेक्टेड विथ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर तो बैंक को पता चल जाना चाहिए ना वो इसलिए नहीं पता चल पाया क्योंकि ये जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जनरेट होते थे वो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम इस सर्वर के बाहर था तो एज ए रिजल्ट कौन किसको कितना पैसा दे रहा है वो सब रिपोर्ट बराबर जनरेट हो नहीं होने रहतेर्स स्कैम होने के बाद तो आर ने ऑर्डर किया सभी बैंकों को कि आपका ये जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है वो भी एक प्रकार का ऑनलाइन मैसेजिंग सिस्टम उसको कोर बैंकिंग सोलूशन के साथ आप इंटीग्रेट कर दो तो अब अलग अलग टॉपिक आते हैं इसमें थोड़े टेक्निकल वो भी वन वर्ड एसोसिएशन टाइप का ही पढ़ना है हमने आगे याद करो पिलर वन ए वन में पढ़ा था नेफ्ट नेफ्ट में क्या था एस वालों ने एस के कस्टमर्स एक्सिस बैंक में दस लाख ट्रांसफ़र करना चाहते थे और एक्सिस बैंक के कस्टमर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आठ लाख रुपए पे करना चाहते थे तो दोनों आपस में ट्रक बेच बेच के पैसा नहीं करते वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर उन दोनों के करंट अकाउंट होते हैं तो वो आपस में जो डिफरेंस है कितना दस लाख इसको देना है आठ लाख सामने भेजना है तो मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्लस टू लाख रुपीज़ वो यहाँ एक्सिस बैंक को भेज देंगे और वो आर पूरी सिस्टम चलाता है एन सिस्टम हमने देखा था तो यहाँ पर ये यह पूरा जो मैसेज चलते हैं वो मैसेज कैसे लिखे जाते हैं व्हाट्सएप से लिखते हैं एस एम एस से लिखते हैं वो मैसेज लिखने की टेक्नोलॉजी को बोलते हैं एस एफ एम एस सिस्टम एस एफ एम एस सिस्टम क्या है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम जिसकी मदद से मतलब वो कंप्यूटर में पूरा कोड होता है कि ये वाला ब्रांच उसमें ये वाला अमाउंट और इस खाते से इस खाते में भेजना है और फिर उसका बेसिक हेडर और एप्लीकेशन कोड यूजर टैक्स ट्रेलर वो पूरी कंप्यूटर की सिस्टम होती वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने डिज़ाइन करी काम का नहीं नेफ्ट आर उससे चलता है काम का है मोबाइल होम पी सी सबसे यूज़ कर सकते हैं वो सब चीज़ें मतलब आप समझ सकते हैं इट इज़ लाइक अ व्हाट्सएप टाइप ऑफ सिस्टम बट टेक्निकल फाइनेंशियल मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है तो ये तो भारत के अंदर है कि हम लोग ऐसे फैम एस की मदद से नेफ्ट आर टी जी एस आई एम पी एस वो सब यूज़ कर सकते हैं वो एक प्रकार की ऐसी मैसेजिंग सिस्टम लेकिन सपोज़ कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में पढ़ता है और फिर अपनी फैमिली को पैसा भेजना चाहता है कि मैं पढ़ता भी हूँ और मैकडोनल्ड में जॉब भी करता हूँ और मैंने दस डॉलर कमाए और मैं अपनी फैमिली को भेजना चाहता हूँ वो कैसे भेजेगा उधर ये सब नेफ्ट आर टी जी एस आई एम पी एस उसका इंटीग्रेशन नहीं है सिस्टम इज़ स्लाइटली डिफरेंट अमेरिका में बैठा बच्चा बैंक ऑफ अमेरिका को ऑर्डर देगा कि इंडिया के अंदर ये वाले बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना तो उधर से पैसा जाएगा अमेरिका की सेंट्रल बैंक कौन सी यूएस फेडरल रिजर्व और वहाँ ऑर्डर जाएगा दस डॉलर ट्रांसफ़र करो और वो ऑर्डर फिर जाएगा याद करो स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बासेल शहर में बैठती है वहाँ पर जाएगा और वहाँ से फिर वो ऑर्डर जनरेट करेंगे ये लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए दस डॉलर जो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देने हैं दस डॉलर और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस दस डॉलर को रुपी करेंसी में कन्वर्ट करके भारत में इस बच्चे की फैमिली को देगा और वो कैसे पता चलेगा कि इधर ही देना है आईएफएससी कोड याद करो जैसे पिन कोड नंबर होता है ऐसे बैंक के ब्रांच में आईएफएससी कोड होता है तो ये सिस्टम चलती है ये सिस्टम चलाने के लिए तो मतलब जो भी मैसेज जाते होंगे वो क्या है एसएमएस है ईमेल है व्हाट्सएप है नहीं वो मैसेजिंग सिस्टम का नाम है स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जिसकी मदद मतलब से ये पूरा मैसेज जाते हैं कि आप ऐसा करो आप ऐसा करो ये वाले नंबर में ऐसे भेजो दैट इज़ स्विफ्ट स्विफ्ट के अलावा दूसरे भी ऐसे ऑनलाइन मैसेजिंग सिस्टम हैं बट ज़्यादातर जगहों पर स्विफ्ट इज़ मोर वाइडली यूज्ड जैसे आईफोन भी है एंड्रॉइड भी है बट ज्यादा एंड्रॉइड यूज होता है सिमिलरली इधर स्विफ्ट यूज होता है मित्रों इधर भी नेफ्ट वाला फंडा काम करता है मतलब इन प्रिंसिपल नेफ्ट जैसा ही है कि अमेरिका की साइड से हमको दस डॉलर आ रहे हैं तो सामने भारत की साइड से भी कुछ जा रहा होगा कि आठ डॉलर हम लोग भेज रहे होंगे कि हमको ये वाला हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल खरीदना है तो आपस में वो सेटलमेंट कैसे करेंगे भारत की तरफ से दो डॉलर ही इस तरफ जाएंगे ऐसा नहीं कि ट्रक भर भर के दस इधर आए और आठ उधर जाए नो सिमिलर टू नेफ्ट वो सब काम कौन देखता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इसलिए उसका नाम है इंटरनेशनल सेटलमेंट क्योंकि वो आपस में ये सब सेटलमेंट करवाता है बट वो क्या क्यों कैसे काम करता है बहुत हमको जानने की जरूरत नहीं जहां तक रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है वगैरह वो हम लोग देखेंगे थर्ड पिलर में तो स्विफ्ट क्या है एक प्रकार की मैसेजिंग सिस्टम जिसकी मदद से ऐसे सब मैसेज भेज कर पैसा ट्रांसफर होता है शेयर बॉन्ड का ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर काम होते हैं सो दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन फुल फॉर्म हमारे लिए काम का नहीं बेल्जियम में बैठते हैं काम का है और ये बेल्जियम की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम बनाया स्विफ्ट जिसकी मदद से बैंक एनबीएफसी ब्रोकर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और मनी ट्रांसफर शेयर ट्रांसफर वगैरह के काम होते हैं इट इज यूजफुल फॉर द एंटिटीज दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट बैंक रिलेशंस और सेटलमेंट सिस्टम विध ईच अदर बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर भारत के अंदर ही होता तो नेफ्ट और हमारा जो एस एफ एम एस सिस्टम उससे काम चल जाता ये इधर नहीं हो पाता इसलिए ये सब है और पंजाब नेशनल बैंक में ये वाली चीज यूज होती थी और उसमें ये कांड हुआ था सो so, ये सब में से एम सी क्यू कैसे बनते इनमें से फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम कौन सा है नोस्ट्रो वो तो बैंक अकाउंट Swift is a system messaging system yes, SFMS messaging system yes. Swift messaging system मैसेजिंग सिस्टम कौन चलाता है आर बी SEBI चलाता है नहीं International चलाता है नहीं इंटरनेशनल सोसाइटी So that चलाती है सो दैट वॉज डन अब यहाँ पर कांड होने के बाद कि पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू किए थे और उससे डायमंड खरीदने थे और फिर उसने पैसा वापस नहीं किया वगैरह सो देन वाट हैपन देखिए बड़ा भाई कौन बना था पंजाब नेशनल बैंक उसने हांगकॉग के बैंकों को क्या बोला था कि अगर नीरव मोदी पैसा नहीं देगा तो पंजाब नेशनल बैंक आपको पैसा देगा प्लीज गिव लोन्स टू नीरव मोदी अब नीरव मोदी तो भाग गया तो जिम्मेदारी किस पर आती है पंजाब नेशनल बैंक पर तो पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है हाँ उन सभी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को हम ऑनर करेंगे मतलब नीरव मोदी ने बारह करोड़ नहीं दिए तो कोई नहीं हम लोग आपको बारह हजार जिन जिनके साथ स्कैम हुआ उनको देंगे सो दैट इज वन पार्ट डन फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ये सब जो ज्वेलरी वाले हैं, ये सब चोर उचक के बदमाश है तो अब से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सिस्टम को ही बैन कर देते न रहेगा बात नहीं बजेगी बासुरी तो उर्जित पटेल ने कहा आई एम पुटिंग अ बैन ऑन द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बिकॉज यू ऑल आर थी तुम सब लोग चोर हो तो प्रतिबंध डाल दिया तो आप समझ सकते हैं इससे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में उसको तकलीफ होगी कि भाई मैं तो नीरव मोदी नहीं हूं मुझे तो पैसा बोरो करना था इसलिए लेटर निकलवाना था लेकिन आपने तो ये भी बंद करवा दिया एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक सर्वे ने ऑब्जर्व किया कि हमें ऐसी स्टिक पॉलिसी डंडा मारो की नीति हमेशा नहीं अपनानी चाहिए ये जो बैन कर दिया क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन डाल दिए स्टॉक लिमिट क्लोजिंग डाउन मार्केट क्लोजिंग डाउन इंस्ट्रूमेंट ये एल एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है इसको बंद करवा दिया ये सब मतलब ठीक काम नहीं है क्योंकि उससे जेन्युन लोगों को ज्यादा नुकसान होता है सो बेटर वी शुड यूज कैलिब्रेटेड एक्शन नाप नाप-तोल के निकालो कि सपोज कुछ ऐसा नियम की सिर्फ 90 डेज का दिया जाएगा एक आदमी को एक करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा ऐसा कुछ बनाइए रादर डेन से कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा दैट इज नॉट राइट और क्या हुआ ये गवर्नर उर्जित पटेल उन्होंने ये कहा कि ये सब स्कैम हुए और फिर मीडिया और इवन गवर्नमेंट बोल रही थी कि उर्जित पटेल ने ठीक से सुपरवाइज नहीं किया तो उर्जित पटेल ने कुछ एक्सक्यूज बताए कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अलग से एक्ट है जहाँ से एस को बनाया गया है तो वहां पर वैसे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या बोला है कि कोई भी वीक बैंक है उसको एस उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बंद कर सकता है मर्ज कर सकता है लेकिन साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कानून में ऐसा लिखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही एस को बंद कर सकती है यानी कि वो कोई भी स्कैम करे एस को मैं बंद नहीं कर सकता एस के मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्य क्या होगा मैं तय नहीं करूँगा उसका समय कार्यकाल सरकार तय करती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर मुझे पावर तो मिले हैं बट इतने भी पावर नहीं मिले कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंकों को रेगुलेट कर पाऊँ ठीक से क्योंकि वहाँ पर सरकार की दखल बहुत ज़्यादा होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी याद करो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ऑर्डिनेंस 2020 में बनता है उससे पहले तो वो स्टेट रजिस्टर और मल्टी कोऑपरेटिव रजिस्टर एट यूनियन गवर्नमेंट वो सबका ड्यूअल कंट्रोल था यानी कि स्पाइडर तो बोलता है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई लेकिन मैं स्पाइडर नहीं हूँ मेरे पास ग्रेट पावर भी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई तो मतलब मैं कमज़ोर हूँ मेरे हाथ बंधे हैं हमसे ना हो पाएगा इस टाइप का वो रोना धोना कर रहे थे देन इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा कि ये बड़े मेरे पास पावर नहीं मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता तो यहाँ पर बोला गया इकोनॉमिक सर्वे में इंडिपेंडेंस इज नॉट अक्वायर्ड थ्रू लॉ बट अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज अक्वायर्ड थ्रू रेप्यूटेशन एंड हिस्ट्री ऑफ गुड एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आपको कोई कानून बना देगा तो ही आप स्वतंत्र हो जाएंगे और आप में शक्ति आ जाएगी ये संभव नहीं है खुद में भी थोड़ा दम होना चाहिए कि आप याद करो मॉरल सुशन नैतिक दबाव कि आप कुछ बोलते हैं और उसका ऐसा प्रभाव आता है कि बैंक वाले अपना काम ठीक से करते हैं वगैरह तो अब ये भी सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सबकी मदद से अगर सब कुछ काम होता तो फिर आई ऑफिसर की क्या जरूरत है राइट वो इसलिए ज़रूरत है कि सब काम कंप्यूटर नहीं कर सकता अदरवाइज देन सो कैरेक्टर अथॉरिटी एथिक्स इंटेग्रिटी ये सब की भी उतनी ही महत्व है और ये यहाँ पर भी लागू आपको भी होता है खुद में दम होना चाहिए ये केस में कि पंद्रह मिनट जो खुद से पढ़ के समझ सकते हो तो एक घंटे की वीडियो देखने के लिए नहीं बैठना चाहिए दैट इज ऑल्सो आत्मनिर्भर भारत कैर तो ये केस यहाँ पर ख़त्म होता है यस बैंक आई एल एफ एस पंजाब नेशनल बैंक पी एम सी स्कैम वो तो पहले ही पढ़ लिया था एक मुद्दा बचता है दैट इज आर बी आई का डिविडेंड सेक्शन सेवन कॉन्ट्रोवर्सी और उसके बाद वेज एंड मीन्स एडवांसिस और वो सब चीज़ें जो हमको ले जाएंगी पिलर वन सी सैवी शेयर मार्केट में तो मैंने आपको आगे भी बताया कार्यक्रम क्या होगा कल एक तो ये पेज वन वन टू तक हमने जो पढ़ा है वो सब पढ़ लेना कल ग्यारह जुलाई शनिवार दोपहर तक में मैं नेक्स्ट हैंड आउट ये पिलर वंशी से अभी शेयर मार्केट अपलोड करूंगा और फिर रात को हम मिलते हैं तो शनि रवि अपनी क्लास होगी उसके बाद वेनसडी क्विज होगी और आगे भी मैंने आपको बताया कि रोज का काम रोज करो ये पेज वन वन टू तक हमने पढ़ लिया तो कल सुबह उठ के देख लेना सो देट यू कैन सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन द क्विज So I'll end the class here and see you tomorrow.